भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। तालियों के साथ परम पुज्य स्वामी जी मंच पर पधार चुके हैं। सभी अपने स्थान पे खड़े होकर परम पुज्य स्वामी जी का अभिनंदन करेंगे। दोनों हाथों पर पवित्र ओम ध्वनि के उद्घोष के साथ पुज्य स्वामी जी का अभिवादन करेंगे। बैठ जाइए सभी अपने स्थान पर, पुनः सभी बैठ जाएंगे। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। अखिल विश्व से न्यारा। अखिल विश्व से न्यारा। बोलिए भारत माता की। परम पूज्य स्वामी चरण कोटि कोटि वंदन। एक बार सभी जोरदार तालियों से योगश्री महाराज का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से। ब्रह्म श्रद्धे योग गुरु महाराज रामदेव, मैं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और सभी जवानों की तरफ से आपको सादर प्रणाम नमन। सरदे श्री सीमा सुरक्षा बल 2015 में अपना स्थापना दिवस की वर्ष 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री डी के पाठक और इस फ्रंटियर के आईजी डॉक्टर बी आर मेघवाल के दिल में एक विचार आया कि इस सीमांत प्रदेश में क्यों ना एक ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए जिसको सीमा सुरक्षा बल से प्यार हो और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी उससे उतना ही प्यार हो और उनका उनके दिल में उनका सम्मान हो। हमने नजर दौड़ा कर देखा, सरदे श्री हिंदुस्तान में नहीं हमें विश्व भर में भी कोई ऐसी शख्सियत नजर नहीं आई जिसको सीमा सुरक्षा बल से प्यार हो और सीमा सुरक्षा बल को उनसे प्यार हो। वो हमें आप ही दिखाई दिए। सबसे बड़ी हमारे लिए गौरव की बात है, जो ही हमने आपसे संपर्क किया, सरदे श्री हम अपनी गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर अगर आप हमारे बीच पधार करके हमें दर्शन देंगे, हमें योग शिक्षा देंगे तो हम बड़े भाग्यशाली समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरदे श्री ने 3 महीने पहले बात है बगैर कुछ दूसरा विचार किए हुए, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल से मैं सरदे श्री को जानता हूं कितना इनको लगाव है, कितना प्यार है। इन्होंने पूरी इलाके के अंदर एक एक BOP पे जा करके सरदे श्री ने त्रिपुरा में कहा था कि हम अपने आप को बहुत बड़े साधु मानते थे, लेकिन आज हमने देखा कि सीमा सुरक्षा हमसे भी बड़े साधु हैं। पूरी पब्लिक हजारों की तादाद में सामने बैठे हुए थे, लोगों ने सोचा महाराज श्री से बड़ा साधु कौन हो सकता है, और महाराज श्री ने कहा सीमा सुरक्षा बल के जवान मुझसे भी बड़े साधु हैं
जो एक झोपड़ी में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, एक बोतल पानी होता है उसी में मूत होते हैं, उसी को पीते हैं, उसी से दाढ़ी बनाते हैं और उसी से निवृत्त वगैरह दिनचर्या कार्रवाई करते हैं। और पूरे उस शिविर के दौरान इतनी जबरदस्त तालियां बजी थी, तो मेरे कहने का अभिप्राय था कि सरदेसी सीमा सुरक्षा बल की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं और उन्होंने इमीडिएटली स्वीकार किया कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। सरदेसी, ये पूरा सीमा सुरक्षा बल परिवार आपके लिए बहुत ही आभारी है और बहुत आभार प्रकट करता है। आप ये भी जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल का जवान सीमा पर पैदा होता है और सीमा पर ही अपना पूरा जवान जीवन बिता देता है। इतना स्ट्रेसफुल लाइफ, परिवार से दूर, रिश्तेदारों से दूर, शहर और गांव से दूर, सिर्फ सीमा पर रहता है। और इसका स्ट्रेस का समाधान सिर्फ आपके हाथों में है। आपसे हमारे जवान, अधिकारी, एसओज इतने प्रेरित हैं और आज सीमा सुरक्षा बल में ऑलमोस्ट रोजाना हर लोकेशन के अंदर योग प्राणायाम किया जाता है और हमें इसे निजात मिली है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अब मैं श्री अमित लोहड़ा, जो यहाँ के होस्ट हैं, नॉर्थ बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर नॉर्थ के डीआईजी हैं, उनसे निवेदन करूँगा। वो योगश्री सर्वे श्री रामदेव जी महाराज के आगमन के लिए उनसे स्वागत। अभी मैं दीप प्रज्वलन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा श्री एस एस रिजवी डीआईजी साउथ, श्री अमित लोहड़ा, मिसेस लोहड़ा, श्री रमन कुमार श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव, श्रीआर चौहान डीसी एडम, जोरदार तालियां बजाई। अभी स्टेज पर विराजमान सभी अधिकारियों और संगनियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराज जी का आशीर्वाद लें और बाईं तरफ से स्टेज से पधारें। अमित लोढ़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो सबक महाराज जी के स्वागत में कहें। धन्यवाद श्री सुमेर सिंह जी। मैं अमित लोढ़ा, उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जैसलमेर उत्तर, समस्त सीमा सुरक्षा बल परिवार और उपस्थित अपार जन समूह की ओर से योग गुरु परम श्रद्धेय स्वामी बाबा रामदेव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। योग हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। योग विज्ञान और अध्यात्म का अलौकिक मेल है। आज पूरा विश्व योग के महत्वता को पहचान कर इसे अपना रहा है और भारतवर्ष इसमें अपने योगदान को स्वीकार कर हमारी ओर देख रहा है। योग शरीर और मन को साधने की एक कला है और मनुष्य के अंदर छुपी नैसर्गिक शक्तियों को पहचानने
और शारीरिक संभावनाओं को साधने का एक स्रोत है। यह हमारे लिए अपार सौभाग्य की बात है कि विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव जी हमारे बीच सीमा सुरक्षा बल के स्वर्ण जयंती स्थापना वर्ष के अवसर पर 3 दिन के लिए योग शिवर्जन के आयोजन हेतु पधारे हुए हैं। 3 दिनों के शिविर के दौरान स्वामी जी अपने योग के अथाह ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करेंगे और हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। वह हमें योग की शिक्षा देंगे तथा जिस तनावपूर्ण स्थिति का हम सभी सामना करते हैं उससे कैसे निजात पाया जाए उसका भी योग के जरिए समाधान व निवारण करने के तरीके बताएंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं एक बार फिर परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और उपस्थित सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद। मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो योग शिविर की कार्रवाई को शुरू करें। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। ये सभी सीधे बैठ जाते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओंकार और पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए योग का प्रारंभ करेंगे। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसको कोई गॉड कहता है, कोई खुदा, कोई अल्लाह कहता है, नाम भिन्न भिन्न है, एक विश्वव्यापी शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। हम भी उसी से ज्ञान पाते हैं, शक्ति पाते हैं, ऊर्जा पाते हैं। उसी परमात्मा का ध्यान करते हुए योग साधना में प्रवेश करते हैं पावन ओंकार के उच्चारण के साथ। सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
प्रार्थना के बाद अब हम सब योगाभ्यास की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करते हुए स्टेप बाय स्टेप पूरे योग की दीक्षा लेंगे। हर दिन लगभग एक घंटे का हम यदि योगाभ्यास करें तो यह हमारे शारीरिक आरोग्य के लिए और मन की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, और अंतिम लक्ष्य योग का आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के कलेक्टिव रियलाइजेशन तक की यात्रा हम इस योग के जरिए पूरी करते हैं। शुरुआत हम योग में सबसे पहले होता है सूक्ष्म व्यायाम, फिर होता है व्यायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम और फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीमा सुरक्षा बल के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित इस विशेष शिविर में आपके इन 50 गौरवशाली वर्षों के अथक संघर्ष और पुरुषार्थ को प्रणाम करता हुआ पूरे देश भर में 186 बटालियन जो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे हैं और उनके हजारों हजारों लाखों लाखों जवानों का, अधिकारियों का और उनके परिजनों का अभिनंदन करता हुआ 6385 इतनी बड़ी लंबी हमारी ये सीमा, उसकी सुरक्षा में लगे आप सब जवानों का मैं पहले हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम वंदन करता हूं। और ये मात्र देश की 6385 वर्ग किलोमीटर की जो ये सीमा है, इसी की बात नहीं कर रहा हूं आप तो क्योंकि मैंने करीब 9 वर्ष पहले भी बीएसएफ में छावला में कैंप किया, उसके बाद में एक निरंतर सिलसिला रहा है आपके साथ सेवाओं का। तो आप देश की सेवा में लगे हैं, आपकी थोड़ी सी भी सेवा करने का हमें सौभाग्य मिलता है तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप देश की सेवा में लगे हैं, आपकी थोड़ी सी सेवा हमारी भी हो जाए। इन सैनिकों के एक संत के द्वारा इस सेवा को मैंने कहा मैं अपना और अपनी ऋषि परंपरा का सौभाग्य मानता हूं। तो आइए सब पहले शुरुआत करते हैं, पैरों को सामने खोल लीजिए, हम पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम के साथ फिर व्यायाम में प्रवेश करते हुए आसन, प्राणायाम और ध्यान की पूरी दीक्षा आपको देंगे। सबसे पहले उंगलियों अंगूठों के लिए व्यायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम है, हल्का व्यायाम है, यद्यपि जवानों के लिए ये देखने में ऐसा लगेगा कि ये तो हम इतना भारी भरकम व्यायाम करते हैं उसमें इसकी क्या जरूरत है। तो ये स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए 5 मिनट का है, खाली उंगलियों को अंगूठों का आगे पीछे दबाया, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाया, दबाइए सब मेरे साथ साथ, लंबा लंबा श्वास लेते रहे। पूरे पंजे को गोल गोल घुमा देते हैं। तो बॉडी के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस दो लेवल पर होता है, एक बॉडी के लेवल पर, एक माइंड के लेवल पर। जब हमारे मन में तनाव होता है तो मस्तिष्क से और पूरे शरीर से ऐसे नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, जिनको प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस आदि नाम दिया जाता है। दोनों तरफ से घुमा देंगे पैरों को, पंजों को, और फिर घुटनों को थोड़ा हिला लिया। अब दोनों हाथ की मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लेंगे, एक दूसरे के हाथ में, एक दूसरे के हाथ की उंगलियां डालते हुए, और हाथ आगे से पंजों के ऊपर, पीछे से जंघा के ऊपर, ऐसे थोड़ा 5 बार घुमा लीजिए, लंबे लंबे श्वास चलते रहे। तुम कह रहे थे जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनका असर जहां हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है वहीं हमारे जॉइंट्स पर भी पड़ता है, इसलिए उससे जॉइंट्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं, हमारी चमड़ी पर उसका असर पड़ता है, तो चमड़ी का रंग जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ से भी कीजिए, उसी स्ट्रेस का असर हमारे बालों पर पड़ता है तो बाल असमय में सफेद होने लगते हैं और बहुत तनाव हो तो बहुत ज्यादा बाल झड़ने भी लगते हैं। तो तनाव का असर हमारी चमड़ी पर पड़ता है, हमारे बालों पर पड़ता है, हमारी आंखों पर पड़ता है,
हमारे पूरे अस्तित्व व्यक्तित्व पड़ता है, हमारी वाणी व्यवहार पर पड़ता है, और सबसे बड़ा असर हमारे मस्तिष्क पर होता ही होता है। ये दोनों तरफ से थोड़ा घुमाया, पैरों के सामने खोल लिया और दोनों हाथों में ऐसे थोड़ा सा फासला और क्रॉस करके ऐसे ये सूक्ष्म मैम है, पहले क्रॉस करके ऐसे पैर को पकड़ते हैं तो इससे ये एक एक शरीर का अंग प्रत्यंग, हमारे सभी ज्वाइंट्स इससे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। क्रॉस करके लंबे लंबे श्वास चलते रहते हैं। अब दोनों पैरों को तलवों से मिला लेंगे और दोनों पैरों को तलवों से मिला करके दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक करके ऐसे पंजों को पकड़ लेंगे और घुटने कोशिश और जमीन से छूने लगे। फ्लेक्सिबिलिटी पूरी रहनी चाहिए बॉडी में, एनर्जी पूरी रहनी चाहिए बॉडी में, हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, अच्छे फिगर्स के लिए। ये तो शरीर के स्तर की बात हुई, हेल्थ फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए हम सभी एक स्वस्थ शांति में आनंद में जीवन जीना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, निर्व्यसनी रहना चाहते हैं, उसके लिए योग बड़ा जबरदस्त है। अब इसमें जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनके घुटने जमीन को टच नहीं कर रहे होंगे, उनकी तितलियां ऊपर ऊपर ही उड़ रही होंगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे इतना ऐसा होना चाहिए शरीर, है ना। तो इससे ये हिप ज्वाइंट एकदम अच्छा हो जाता है। दोनों हाथ सामने खोल लीजिए। स्ट्रेस से और लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण से कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, ये सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन कहते हैं अंग्रेजी में उसको, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे देखिए, दोनों हाथ सामने एकदम सीधे और अंगुलियों को ऐसे ताकत पूर्वक मोड़ा और सीधा किया। अब अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, ऐसे पांच पांच बार भी कर लेते हैं तो पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। फिर गोल घुमा देते हैं, मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर और ऐसे गोल गोल घुमा दिए। तो ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम है, ये हल्के हल्के व्यायाम है, मन इनको कोई भी कर सकता, बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक, जो स्वस्थ हैं जो बीमार हैं सब कर सकते हैं इनको। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है, देखने में हल्का है लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। कोहनी एकदम सीधी होती है और ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसके रिवर्स दोनों तरफ से करते हैं। फिर दोनों हाथ सीधे, हथेलियां ऊपर की ओर, कोहनियों से हाथों को मोड़ते हैं और दोनों हाथ की उंगलियों को कंधों के ऊपर रख देते हैं ऐसे। अब दोनों हाथ साइड में एक साथ दोनों हाथ मोड़ेंगे और सीधे करेंगे टाइट करके। तो कोहनियों के लिए अब दोनों हाथ की अंगुलियां अंगूठे कंधों के ऊपर, दोनों हाथ की कोहनियां सामने से मिली हुई और गोल गोल घुमा देते हैं हाथों को ऐसे। फिर दूसरी तरफ से दोनों हाथ की कोहनियां सामने मिलती हैं और पूरी गोलाई में कोहनियों को घुमा देते, बड़ा शून्य बना दे। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींचेंगे, लंबा गहरा श्वास, फिर छोड़ देंगे, फिर श्वास अंदर भरेंगे। व्यायाम करते समय श्वासों का सामान्य नियम है, लंबे श्वास लें और छोड़ें। फिर दूसरी ओर से जितने लंबे गहरे श्वास होंगे उतनी ही उम्र भी लंबी होती है, जितने लंबे गहरे श्वास होंगे उतना मन भी शांत होता है।
जितने लंबे गहरे श्वास होते हैं उतनी बॉडी में एनर्जी का लेवल भी ऊंचा होता है, अच्छा होता है। दोनों हाथ अब नीचे, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं और सिर के पीछे दोनों हाथों को लगा लेते हैं, हाथों से सिर के और सिर से हाथों के और एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं। फिर झीला छोड़ देते हैं, फिर दोबारा ऐसे दो तीन बार इस तरह से कर लेते हैं, तो एक गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर हाथ नीचे, अब दाएं हाथ उठाते हैं, दाएं हाथ की हथेली को कनपटी पर रख देते हैं, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर से श्वास अंदर भर के एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर देंगे। फिर दूसरे हाथ से फिर दोनों हाथ सामने, माथे से हाथों की ओर, हाथों से माथे की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दिया, श्वास अंदर है, फिर छोड़ दिया श्वास, फिर श्वास भरेंगे, ये बात अच्छा है सर्वाइकल स्पोंडाइलिटिस पेन के लिए, गर्दन के दर्द के लिए। अब गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे, फिर बाईं ओर घुमाएंगे, ऐसे ये गर्दन को ऐसे दाएं बाएं घुमा देते, फिर आगे पीछे झुका देते, लंबे लंबे श्वास चलते रहते। अब गर्दन को गोलाई में घुमा देते, अभी आपको बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है, अन्यथा 5 मिनट में यह अभ्यास हो जाता है सूक्ष्म व्यायाम का। ऐसे कंधों को थोड़ा गोल घुमा लीजिए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ही है और इससे कंधे और अधिक रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हुआ, आंखों के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम होता है, आंखों को ऊपर की ओर खींचते हैं, नीचे की ओर दबाते हैं, दाहिनी ओर बाईं ओर घुमाते हैं और गोल गोल घुमा देते हैं। फिर दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरी गोलाई में क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज जैसे आंखों को घुमा दिया, तो पूरे शरीर का ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया। सूक्ष्म माने हल्का, लाइट। अब लाइट एक्सरसाइज के बाद में आप लोग बलवान हैं, आपको कहा जाता है आप जवान हैं, और जवानों के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा हल्का पड़ जाता है, तो अब आपको थोड़ा भारी व्यायाम कराते हैं। तो आइए सब खड़े हो जाते हैं और खड़े हो करके मेरे साथ अब सूक्ष्म व्यायाम के बाद पूरे व्यायाम का अभ्यास माने कंप्लीट फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज के अब 3 दौर हैं। एक दौर तो पूरा हो गया सूक्ष्म व्यायाम का, अब कंप्लीट व्यायाम के लिए पहले योगिक जोगिंग, फिर आपको सूर्य नमस्कार, फिर परंपरागत व्यायाम है। आप ऐसे तो बहुत तरह के एक्सरसाइजेस करते हैं, आपके पूरे कोर्स में आपकी दिनचर्या में वो सम्मिलित है, तो शुरुआत करेंगे यहां से। ये व्यायाम का एक तरीका है, जनरल फिटनेस के लिए सभी लोग ऐसा करते ही, जोगिंग कहते हैं इसको, हमने इसको नाम ही दिया योगिक जोगिंग, योगिक व्यायाम। ये पहला हुआ, हाथों का पैरों का एक रिदम है, हाथ थोड़े ऊपर उठ रहे हैं, पैर भी थोड़े ऊपर उठ रहे हैं। अब दूसरा अभ्यास, हाथ पूरा ऊपर उठ गया, पैर पीछे से उठा और पैर की एड़ी कुल्ले से लग गए। अब फास्ट कीजिए तो ऐसे हो जाए, ये लंबे लंबे श्वास, और सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे सभी जवान भी, सभी अधिकारी भी।
सबकी फिटनेस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए ना, तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा अभ्यास ऐसे, दोनों हाथ ऐसे कमर के साइड में लगा दिए और घुटने को उठाया और छाती से लगा दिया ये, फिर दूसरा पैर उठाया ऐसे, थोड़ा इसको फास्ट कर दिया तो ऐसे हो गया ये रिदम के साथ, और फास्ट किया तो ऐसे हो गया। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये तीसरा अभ्यास। अब चौथा अभ्यास घुटनों के लिए, घुटने भी तो स्वस्थ होने चाहिए। हमारा शरीर ता जिंदगी हमारा साथ है, पूरी जिंदगी भर शरीर का साथ बना रहना चाहिए। वक्त के साथ घुटने हमारा साथ छोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। घुटने साथ छोड़ देते हैं, कमर साथ छोड़ देती है, कई बार तो किसी किसी का लिवर, किसी की किडनी, किसी का हार्ट, किसी का दिल, किसी का दिमाग ही साथ छोड़ देता है। फिर क्या कहते हैं हम लोग, क्या करें, घुटने साथ नहीं दे रहे, कमर साथ नहीं दे रही, दिल साथ नहीं दे रहा, और किसी किसी का तो दिमाग भी साथ नहीं देता, फिर तो जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये घुटनों के लिए था, है ना। अब दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने। अब घुटनों को और ज्यादा सबल स्वस्थ बनाना है तो दोनों हाथ एकदम सामने छाती के, और दाहिनी ओर बैठ जाएंगे। कोशिश करेंगे जो पूरे बैठ सकते हो तो पूरे बैठ जाना, जिनकी पैंट टाइट हो तो भाई फट है तो दिक्कत नहीं है। ये सामने हाथ और ऐसे बैठे, फिर उठ गए, फिर दूसरी ओर से बैठ गए। कितना अच्छा है ना, ये देखो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बॉडी के अंदर। ये हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, अच्छे फिगर्स के लिए बहुत अच्छा। आधा तो कर ले, ये आधा, इतना तो हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट, दाहिनी तरफ बैठेंगे, ये दाहिनी तरफ बैठेंगे, कितना अच्छा है ना। ऐसे बाई तरफ बैठ, तो घुटनों के लिए, जगहों के लिए, पूरे पैरों के लिए डिफरेंट एंगल से एक्सरसाइज दे रहे हैं। जैसे फूड के बारे में हम लोग सोचते हैं ना कि फूड हमारा कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन, प्रोटीन, सब कुछ पूरा होना चाहिए। आहार यदि पूरा नहीं होगा तो शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलेगा। आहार के साथ साथ एक्सरसाइज भी पूरी होनी चाहिए, हाथों की, पैरों की, पेट की, पीठ की, पूरे शरीर की पूरी एक्सरसाइज। तो ये पूरी एक्सरसाइज में ये छठा अभ्यास था। अब दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर भर के हाथ साइड में ले जाएंगे ऐसे, लंबा गहरा श्वास, और पीछे की ओर झुकेंगे थोड़ा, हाथ साइड में जाए, श्वास भर के थोड़ा फास्ट, दोनों हाथ साइड, सात अभ्यास हो गए। अभी साइड के लिए एक्सरसाइज होगी, किसी किसी की साइड भी बड़ी मोटी मोटी है। देखो एकदम फिट होने का मतलब है कमर कसी भी होनी चाहिए। आम भाषा में बोला भी जाता है भाई कमर कस लो, कमर कसे कैसे, पांच फीट इधर फैल रही है, पांच फीट इधर फैल रही है, बहुत तो इतने मोटे मोटे, पांच पांच किलो वजन साइड में ज्यादा होता है, पांच पांच किलो इधर उधर ज्यादा होता है, पांच किलो यहां सामने धरा हुआ होता है, ये नहीं होना चाहिए। देखो ये साइड में झुके, ऊपर वाला हाथ सीधा, उसके थैली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने के पास, दूसरी ओर से थोड़ा धीरे कीजिए। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। अब इसमें पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है, फिर दूसरी ओर से कीजिए लगातार ऐसे, थोड़ा इसको फास्ट कर सकते हैं ऐसे,
ये बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम डिफरेंट प्रकार से करते हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कोण आसन, जो मोटे मोटे होते हैं उनको तो हम 50-50 बार करवा देते हैं, 100-100 बार करा देते हैं, और एक एक दिन में आधा किलो से लेकर के जो मोटे उनका 2-2 किलो वजन घटा देते हैं। क्रॉस करके दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ पीछे ऊपर होगा, ये और आगे झुकते हुए थोड़ी घुटने से लग जाती, इतना झुकते रिलैक्स, पैर पास। अभी तो साइड के लिए किया था, अभी आगे पीछे के लिए। आगे और पीछे के सारे मसल्स एकदम फिट रहने चाहिए, मांसपेशियां मजबूत हो, एक्सेस फैट मेल्ट हो जाए, वजन बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाते, हाथ पास में और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाते, आगे झुक के माथा घुटनों से लगाते, फिर हाथ ऊपर, फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक के माथा घुटनों से लगाइए। अब किसी किसी के माथे में तो 2 फीट का फासला है, झुको 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 और माथा घुटनों से लग जाए। फिर कहते कमर स्टिफ हो गई, आगे पीछे झुको भाई। योगाभ्यास से हमारे शरीर के अभ्यास अच्छे होंगे। रिलैक्स, अब ज्यादा नहीं करवाएंगे, क्योंकि ज्यादा करवाने से फिर आगे पीछे से दुखता है, धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। 10 अभ्यास हो गए, 11वां अभ्यास आप रोज करते ही हो, 1, 2, 3 और नीचे 4। अब फास्ट करें तो ये अब ये तो आपका रोज का अभ्यास हो गया। चलो अब लास्ट दोनों सामने, अब इसको देखते हैं कितना ठीक कर पाते हैं आप। एक तरफ हाथ उधर ही कुल्ले और दूसरी तरफ पंजे ऐसे, फिर ऐसे, चलो करो ये ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता, पूरा शरीर सध रहा है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो वैसे ही कूद रहा है, इधर कूद गया और इधर कूद गया, एक जगह खड़े होकर के ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को पूरा व्यायाम किया। तो ये व्यायाम का एक चरण पूरा हुआ, इसका नाम है योगिक जोगिंग। अब सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार व्यायाम की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। दोनों हाथ सामने, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए दोनों पैर पास में, दोनों हाथ पहले प्रणाम की मुद्रा में। किसी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, किसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, मैं आप देख सके सिर्फ थोड़ा सा साइड में होके कर रहा हूं, आप सभी सीधे रह करके कर लेंगे। श्वास अंदर भर के हाथों को ऊपर उठा रहे, सूर्य नमस्कार का अर्थ है सूर्य जैसी शक्ति हमारे भीतर आती है, शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। हाथ ऊपर उठाए, पीछे लेके गए, हाथ पास में ही है, श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुक गए और आगे झुक करके दोनों हाथों को पंजों की साइड में रख दिया और माथा घुटनों से लगा दिया। कोशिश कीजिए जितना हो सके माथा घुटनों से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब दाहिने पैर पर बैठ जाइए, दाहिना, देखो दोनों हाथ पैर पास में थे, अब दाहिना पैर यही रहेगा, बायां पैर पीछे गए, राइट लेग को यही रखा, दोनों हाथ यहीं पर हैं
और दाहिने पैर पर ऐसे बैठ गए, दाहिने पैर पर ऐसे बैठ गए। बहुत सुंदर, सभी ने अच्छा किया, दाहिने पैर पर बैठ गए, कमर झुकी हुई है, श्वास अंदर है, देखते ऊपर है, करते रहिए मेरे साथ साथ, इसी स्थिति में बने रहना है सबको। अब ये दाहिना पैर भी पीछे ले जाइए और सिर झुकाइए, सिर झुका करके और नाभि को पेट को देखिए, घुटने सीधे पीछे, अब घुटने जमीन पर, छाती थोड़ी भी जमीन पर, पेट थोड़ा उठा हुआ होगा, ये और अब सामने से उठ जाइए, सामने से पूरे उठ जाइए, पैर पीछे सीधे। ये सात अभ्यास हो गए, अब पांच अभ्यासों की आवृत्ति होगी। बीच से उठा दीजिए, सिर झुकाइए, घुटने सीधे पीछे, पैर के पंजे टिके हुए जमीन पर, अब बायां पैर आगे ले आइए, पहले दाहिना पैर आगे था, अब बायां पैर आगे ले आए, बायां पैर आगे ले आए, दाहिना पैर पीछे सीधा है और दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में है। अब दाहिना पैर भी आगे ले आइए और अब माथा घुटनों से लगाइए, फिर हाथ ऊपर उठाइए, पीछे की ओर लेके जाइए हाथों को, हाथ पास में पीछे झुक गए, फिर दोनों हाथ सामने। ये एक राउंड हुआ, एक आवृत्ति हुई ये सूर्य नमस्कार की। ऐसे हम 10 से लेकर के 100 आवृत्ति कर सकते हैं। बहुत फास्ट करते हैं तो बोलते हैं पावर योगा हो गया, अब नाम कुछ भी धर दिया। मेरे भाई आप इसको 5 बार से लेकर 10 बार रोज कर सकते हैं। धीरे करते हैं तो 1 मिनट में 3 से 4 बार हो जाता है। मैंने देखा है फास्ट करते हैं तो ये 7 से 8 बार हो जाता है 1 मिनट में। तो 2 मिनट यदि सूर्य नमस्कार कर लिया तो कम से कम 14 से 15 बार सूर्य नमस्कार हो जाता है। लेकिन उसके लिए, फास्ट करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आप एकदम फास्ट ना करें, पहले धीरे धीरे करें। अभी मैं आपको 2-3 बार करवा देता हूं। लंबा गहरा श्वास भरा, हाथ पीछे लेके जाएंगे, फिर आगे झुके, माथा घुटनों से लग गया, अब दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे, ये मेरे साथ साथ बैठे आगे, अब दाहिना पैर भी पीछे और अब झुक गए आगे, घुटने छाती थोड़ी जमीन पर, पेट थोड़ा सा अधर ऊपर और उठ गए सामने से, ये और अब बीच से उठा, अब बाया पैर आगे, बाया आगे और अब दाहिना आगे और हाथ पीछे, सांस अंदर भर और अब हाथ सामने। पहले से थोड़ा अच्छा हुआ ना, ऐसे कितनी बार करवा दे, 10 बार करवा दे, बोले बाबा जी बस इतना करवा दियो कि कल भी कर सके। क्योंकि हम जिस तरह की एक्सरसाइज रोज करते हैं उसकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। नई एक्सरसाइज यदि पहले दिन ज्यादा कर ली जाए तो फिर जो मसल्स है थोड़े पेन करने लगते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे, चलिए एक बार और करा देते हैं। श्वास अंदर हाथ पीछे, श्वास बाहर छोड़कर की झुक गया, दाहिने पैर पर बैठ गया, दाहिने पैर भी पीछे और अब झुक गया और उठ गए सामने से। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी, फिर भी से उठ गए और बाएं पैर आ गया, बाएं पैर आगे, थोड़ी देर रुकिए स्थिति, फिर दाहिना पैर भी आगे, फिर हाथ पीछे और दोनों हाथ सामने। सूक्ष्म व्यायाम, योगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार, 3 स्टेप्स हमने पूरे कर लिए एक्सरसाइज, और अब चौथा स्टेप है, इसको बोलते हैं परंपरागत व्यायाम। अंग्रेजी में बोले तो ट्रेडिशनल फिजिकल फिटनेस के लिए जो एक्सरसाइज है,
उसको हमारे यहां आम आदमी बोलता है भाई कसरत कर लो, दंड बैठक को ही कसरत कहा जाता था हमारे यहां। तो ये दंड बैठक क्या है देखिए, ऐसे ये पहला है, ये तो आधा हुआ ना, अब पूरा दोनों हाथ साइड में श्वास अंदर भर के ये, फिर ऐसे श्वास अंदर भर के एक दो, एक दो, एक दो, बाहर दो तीन बार से ज्यादा मत करियो। अब दोनों हाथ सामने, मुठिया बंद, धीरे धीरे नीचे जाइए, पूरे शरीर को टाइट करके श्वास अंदर भर करके और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ये फिर से अच्छा है ना, दो तीन बार से ज्यादा मत करना, आज करवाऊंगा ही नहीं। तीन हो गए, अब चौथा, चौथे में एक छलांग लगाएंगे, आगे जाएंगे फिर वापस आएंगे, एक दो पीछे, श्वास अंदर भर के एक दो, एक दो। तो ऐसे ये अब अभ्यास होने के बाद ऐसे आप 5-10 बार कर सकते हैं, बस ज्यादा मत करियो नहीं तो पैर दुखेंगे। पांचवा अभ्यास धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए, एक दो तीन चार, ये अलग अलग अभ्यास है व्यायाम के, एक दो तीन चार कर लो भाई, आप तो ऐसे खड़े खड़े देख ही रहे हो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बस बस बस, दो दो बार ही बहुत है। नेक्स्ट, इनके नाम है साधारण दंड, फिर इसके बाद राममूर्ति दंड, फिर ये पहल, ऐसे दंड बैठकों के, ऐसे बैठकों के नाम है साधारण बैठक, राममूर्ति बैठक, अब लास्ट कर रहे हैं हनुमान बैठक, इसका नाम ही हनुमान बैठक रखा है। हनुमान जी बल्कि सबसे बड़े देवता है, हनुमान से ज्यादा कोई बलवान हुआ नहीं, वो हेल्थ के फिटनेस के सबसे बड़े रोल मॉडल है, आइकॉन है। दोनों हाथ सामने, दाहिनी तरफ ऐसे बैठे, ये तो आधा हो गया, ये पूरा हो गया, और देखो आधा इतना तो सभी कर पाते हैं ना, और अब दाहिने पैर पर ऐसे बैठे, ये आधा तो सब कर पाएंगे, पूरा करने के लिए थोड़ा परफेक्शन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। और लास्ट दोनों हाथ ऐसे, और अब आधा तो सब कर लेंगे, और पूरा कर सके तो ऐसे बैठ गए, आधा ही कर ले तो भी पर्याप्त है, बैठ जाइए, बहुत देर में नंबर आया बैठने का, लेकिन अभी भी बैठना आराम के लिए नहीं है, काम के लिए। अब ऐसे बैठिए कि दोनों हाथ ऐसे सामने और घुटने दोनों हाथों के बाहर की ओर। अब आपको व्यायाम करवा रहे हैं अगला, ये व्यायाम का अंतिम चरण है, चार तरह का व्यायाम करवाया आपको, सूक्ष्म व्यायाम, योगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार, और ये चौथा दंड बैठक। बैठक लगवा दिया, अब दंड बाकी है, दंड मतलब कोई पनिशमेंट नहीं है, ये दंड बैठक व्यायाम के नाम है। अब इसमें 12 तरह के दंड होते हैं,
वैसे तो मैं जवानों से जो स्कूल कॉलेज के बच्चे उनसे भी करवाता हूँ, और आप तो हैं ही जवान, इसलिए आप तो जरूर करने की कोशिश करेंगे। पहला दिन है, जिनसे जितना बन पाए करने की कोशिश करना। पैर पीछे, एक नीचे, दो ऊपर, सामने से उठे, तीन वापस, एक नीचे, दो ऊपर, तीन वापस। अब दूसरा अभ्यास, धीरे धीरे नीचे गए, धीरे 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 श्वास अंदर भर करके रखना, फिर ऊपर उठ गए, और अब जैसे गए थे वैसे ही वापस आना, नीचे नीचे आना, नीचे 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 से नीचे से वापस, ये जैसे गए ऐसे ही वापस आए, ये ऐसे वापस आने में कहते ना नानी याद आती है, ये देखो यूं ऐसे, देखो भाई पीछे आने में जोर पड़ता है, कुछ बीच में शॉर्टकट मार रहा है। देखो अब तीसरा अभ्यास, ये हाथ ऐसे हैं, अंदर की तरफ अंगुलियां, और नीचे जाएंगे ऊपर उठेंगे। देखो सब जवानों को इतना मजबूत होना चाहिए, दूर से देख करके लगे कि भाई इसमें बल है, इसमें शक्ति है, हम बल के शक्ति के अवतार हैं। अंदर की तरफ अंगुलियां उठे हैं और पैर अब पीछे, अब नीचे जाएंगे ऊपर उठेंगे ऐसे, एक साथ एक साथ, सिर गर्दन कमर एक साथ ऊपर नीचे उठे, ऊपर नीचे एक साथ होते हैं कुछ तो। देखो सामने रुक जा, ऐसे ऐसे बैठो, ये विश्राम की पोजीशन है, काम बड़ा तो मैं पीछे, जब पैर पीछे जाते हैं तो फिर शुरू हो जाता है व्यायाम, ये विश्राम की स्थिति है। अब इसको कैसे कर रहे हो, कुछ कुल्ले ऊपर नीचे कर रही हो, ये नहीं पूरा ऊपर नीचे भाई, पूरा नीचे पूरा ऊपर एक साथ। नेक्स्ट, अब हाथ सीधे कर लीजिए, अब दाहिना पैर आगे लाएंगे, थोड़ा झुक जाएंगे, ये दाहिना पैर आगे आया, आगे झुक गए थोड़ी जमीन के पास, फिर उठ गए और फिर वापस आ गए, कीजिए आप भी ऐसे, फिर बाएं पैर लाएंगे और फिर सामने से उठाएंगे, कितना अच्छा है ना, ये तो धीमे करवा रहे हैं तो भी आपको थोड़ा लग रहा है ना, तो बड़ा जोर का काम है, इसको फास्ट करते हैं तो ऐसे हो जाता है, ये तो फास्ट वाला हुआ, फास्ट करने के लिए तो थोड़ा परफेक्शन चाहिए ना, पहले दिन मुश्किल होगा। अब ये था हनुमान दंड का अभ्यास, अलग अलग दंडों के अलग अलग नाम है, साधारण दंड, राममूर्ति दंड, वक्ष विकासक दंड, हनुमान दंड, अब वृश्चिक दंड है, पैर पीछे से उठाते, दोनों पैर पीछे, दोनों हाथ सामने हैं, पीछे से पैर उठाए और सामने से झुक जाते, एक दो तीन, एक दो तीन, ये ऐसे और ऐसे किया ना आपने भी, थोड़ा अंधेरे में दिख नहीं रहा है सब, तो वृश्चिक दंड का एक अभ्यास था। देखो भाई जिनकी थोड़ी उम्र ज्यादा हो तो अपने उम्र का ख्याल रखते हुए करना, हाँ व्यायाम ये नियम है, अपने बल का शक्ति का अतिक्रमण ना करें। अब पैर पीछे से उठाएंगे, ऐसे उठाया और अपोजिट साइड में ऐसे रख दिया, ये ऐसे और ऐसे झुक गए, ये अलग अलग दिशा से व्यायाम कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से एक्सरसाइज दे रहे हैं बॉडी को, जिससे कि हम पूरे के पूरे मजबूत बने, ऐसे ये वृश्चिक दंड का दूसरा अभ्यास, ये व्यायाम के अलग अलग प्रकार है, पीछे से पैर उठाया अपोजिट साइड में रख दिया, वृश्चिक दंड के दो अभ्यास। पार्श्व दंड, क्या है नाम बोलिए, जोर से बोलिए, पार्श्व दंड, पार्श्व दंड ही नाम है इसका, दाहिना पैर उठाएंगे और नीचे नीचे से बाईं तरफ ले जाएंगे, ये नीचे नीचे से बाईं तरफ चला गया, सामने झुक गए,
फिर सामने से उठ गए, फिर वापस आ गए, फिर ऐसे बाईं तरफ से किया। आप कोशिश करके देख लीजिए जितना बन पाए। थोड़ा एक कठिन दौर चल रहा है अभी, सात के बाद ये आठवां, ऐसे ही ऐसे ही साइड में पैर गया, सामने से झुक गए, फिर उठ गए, तो ये हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो गया। इसका नाम है पार्श्वदंड। ये तो धीमे से किया, और तेज करें तो फिर ऐसे। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। पैर साइड में खोल दीजिए ऐसे। और अब है चक्रदंड। क्या नाम है? चक्रदंड। एक पैर दोनों हाथों के बीच में, एक पैर ऐसे साइड में। अभी साइड वाले पैर को सामने से घुमाते हैं, और जब सामने पैर आएगा तो हाथ उठ जाएंगे, और जब पैर साइड में चला गया तो फिर हाथ नीचे आ गए, फिर ऐसे चले गए, फिर उठ गए, फिर दूसरे पैर को ऐसे ले आए। आप अक्सर कहीं कहीं इसको देखते हैं, कुछ लोग करते हैं जवान ऐसे। फास्ट करें तो ऐसे हो जाता है। कुछ समझ में आया? कोई बात नहीं, आज थोड़ा कम आया, कल पूरा आ जाएगा। चक्रदंड था इसका नाम। अब इसके बाद और थोड़ा तेज व्यायाम है, शरीर का, मन का पूरा संतुलन हो जाता है। दोनों हाथ ऐसे जमे हुए, और पहले देख लो बाद में करियो। पैर पीछे से उठाएंगे और सिर थोड़ा आगे निकालेंगे ऐसे। कुछ समझ में आया? ऐसे सामने से सिर निकाल दिया, पीछे से पैर उठा दिए, और ऐसे रुक गए। कितना आसान है ना? थोड़ा कोशिश करने पर हो पाएगा, अभ्यास करना पड़ता है पहले थोड़ा ऐसे। इसको बोलते हैं शेर दंड। तो पहले थोड़ा थोड़ा उठाते हैं ऐसे, पहले ऐसे, फिर धीरे धीरे पूरा हो जाता है। अब ग्यारहवां बारहवां सबको करना है। ग्यारहवें अभ्यास का नाम है सर्पदंड। एक दो तीन चार, चलो करो ना मेरे साथ साथ। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ए जवानों कर लो इतना तो। ऐसे भाई, लंबा सांस और वापस। और देखो लास्ट लास्ट है। अब परेशान मत हो कि बाबा इतना कठिन करवाएगा तो फिर कैसे करेंगे। लास्ट है, ऐसे बैठे, और इसको सब कर सकते। इसका नाम है मिश्र दंड। एक दो तीन, कीजिए आप लोग भी। एक दो तीन, कितना अच्छा है ना? थोड़ा इसको मध्यम गति से करते हैं, थोड़ा फास्ट। ये एक भी कर लिया जाए तो बहुत है। बैठ जाओ आराम से, बैठो बैठो आराम से। बोलो बाबा हम तो पहले से आराम से बैठे, कोई बात नहीं। ये हो गया व्यायाम। ये क्या हुआ? व्यायाम, एक्सरसाइज। और इसके कितने स्टेप्स थे? चार। सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जोगिंग योगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार और दंड बैठक। चार स्टेप्स थे एक्सरसाइज के। अब आसनों को दो स्टेप्स में करवाएंगे। एक है थोड़े कठिन आसन, किसके लिए? जवानों के लिए। दूसरे हैं सरल आसन, सबके लिए। इसके बाद फिर प्राणायाम और ध्यान शुरू होगा। तो आसनों के क्रम में ऐसे बैठिए जैसे मैं बैठा हूं। यह है वज्रासन। क्या नाम है? सब बोलिए, वज्रासन। खाने के बाद इस पोजीशन में बैठिए। एक खास
बिंदु की तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे हमारे अभ्यास होते हैं, अभ्यास को अंग्रेजी में प्रैक्टिस कहते हैं, आम भाषा में उसको आदत कहते हैं। अंग्रेजी में इसी आदत को थोड़ा, मैंने कहा प्रैक्टिस ही जब और ज्यादा परिपक्व हो जाती है तो उसको हॉबी बोलते हैं। जैसे हमारा अभ्यास होता है, जैसी हमारी आदत होती है, जैसे हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, वैसी हमारी हॉबीज हो जाती हैं, वैसे हमारा नेचर, हमारी प्रकृति हो जाती है, वैसे हमारा स्वभाव हो जाता है, वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। पूरा जीवन डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पर। इसलिए योगाभ्यास में भी शब्द जोड़ा गया योगाभ्यास। योग का अभ्यास होने से कोई गलत अभ्यास नहीं होगा। गलत अभ्यास क्या है? बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये तो बहुत ज्यादा गलत अभ्यास हो गए। फिर ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, गुस्सा करना, ये गलत अभ्यास है। गलत तरीके से बैठना, ये तो सीधे बैठे। ज्यादातर लोग कैसे बैठते हैं? कमर झुकी हुई होती है, ऐसे बैठते हैं। ऐसे तो बैठना भी नहीं आता, ऐसे बैठेंगे ऐसे ही। ये गलत बैठने का अभ्यास। गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से सोते हैं, गलत तरीके से चलते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, गलत अभ्यास, उसी से जीवन में रोग आते हैं, उसी से जीवन में दुख आता है। तो हमारे अभ्यास कैसे होने चाहिए? अच्छे। हमारे अभ्यास कैसे होने चाहिए बोलो? अच्छे अभ्यासों का नाम ही है योगाभ्यास। अच्छे अभ्यासों का नाम ही क्या है? योगाभ्यास। चलिए पैर सामने खोल लीजिए। अब आपको ये अच्छे अभ्यास करवा रहे हैं, और अच्छे अभ्यास करते करते हमारा पूरा जीवन अच्छा बने, ऐसी सोच होनी चाहिए। पैर सामने खोल दिए। पहला दौर है थोड़ा कठिन आसनों का। ये आसन है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जवानों के लिए। ये पहले अभ्यास जवानों के लिए है। जो भी अपने आप को जवान मानता हो कोई भी कर सकता है, और जो जवान नहीं हो करते करते जवान हो जाएगा। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे, पैर सीधे हैं। अब दोनों हाथ सामने, पहली अंगुली से, अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए, और कोशिश कीजिए माथा घुटनों से लग जाए। माथा घुटनों से लगे, कोशिश करें, और कोहनियां जमीन पर टिक जाए। कुछ बनी बात? नहीं बनी तो ऐसे कर लो, ऐसे कोशिश कीजिए। आगे झुकते समय सांस बाहर छोड़िए, धीरे धीरे माथा घुटनों से लग जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये था पश्चिमोत्तानासन। क्या नाम है इस आसन का बोलो? पश्चिमोत्तानासन। हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हेल्थ फिटनेस के लिए। चलिए, ये जवानों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए बता रहे हैं। ये विशेष अभ्यास है। अब लेट कर करके लेट जाएंगे। वैसे लेट करके एक आसन किया जाता है जो सबको बड़ा प्रिय होता है, उसका नाम है शवासन। लेकिन आपको अभी शवासन नहीं कराएंगे, हाँ कुछ आसन विशेष कराएंगे। दोनों हाथों के थैले नीचे की ओर, दोनों पैर उठेंगे एक साथ। पहले 30 डिग्री पर उठाइए एक साथ, फिर ऊपर 60 और 90 डिग्री तक, घुटने सीधे। अब पैर पूरे उठ गए, कमर जमीन पर है, अब कमर भी उठा दीजिए और पैरों को थोड़ा पीछे झुका दीजिए 180 डिग्री पर। कमर उठ गई है, अब दोनों हाथ पीछे कमर के लगा दीजिए। दोनों हाथ कमर के पीछे लगे हुए, अंगुलियां पीठ की ओर, अंगूठा पीठ की ओर, ऐसे हाथ लग गए ऐसे पीठ की। सर्वांग आसन, घुटने सीधे, पैर की एड़ियां मिली हुई, अंगूठे मिले हुए। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। जो सर्वांग आसन कर लेंगे उनके सभी अंग मजबूत होंगे, 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी, बाल झड़ेंगे नहीं। बालों के लिए, आंखों के लिए,
दिमाग के लिए, दांतों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, अच्छी हाइट के लिए। अच्छी हाइट रहेगी, अच्छी आईसाइट रहेगी, अच्छी मेमोरी होगी, शरीर में ताकत पूरी रहेगी। इससे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, बॉडी के सारे ग्लैंड्स इससे एक्टिवेट होंगे। ऐसे ये आधा मिनट से शुरू करके दो और धीरे धीरे पांच मिनट तक कर सकते हैं। यह है सर्वांग आसन। और आप पैर धीरे धीरे नीचे ले आते हैं, कमर को सीधा किया, घुटने सीधे और पैर जमीन पर आ गए। ये था सर्वांग आसन। क्या नाम है बोलिए? सर्वांग आसन करेगा उसको आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, उसको कैटरेक, ग्लूकोमा, सफेद मोतिया, काला मोतिया नहीं होगा, उसकी नजरें कमजोर नहीं होंगी, उसकी दृष्टि भी अच्छी रहेगी, नजर भी अच्छी रहेगी, उसकी नजरें भी अच्छी रहेंगी, उसकी दृष्टिकोण भी अच्छा होगा जीवन में उसका। सर्वांग आसन के बाद महलासन, पैर ऊपर उठाइए और पीछे टिका दीजिए, सिर के पीछे। ये कोशिश कीजिए, जिनको कमर में दर्द है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ज्यादा हाई बीपी है, वो ना करना, बाकी करना, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। यह हलासन हो गया। हल जैसी स्थिति होगी ना शरीर की, तो नाम क्या है इसका? हलासन। जैसे हल से खेत की जुताई करते हैं, ये तुम्हारे पेट की जुताई हो गई। पैर मोड़ लीजिए, दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ कंधों के नीचे और बीच से उठा दिया, श्वास अंदर भर के, ये चक्रासन। और नीचे आ गए, बाई करवट लेते हुए बैठ गए। तो ये जो है कुछ समझ में आया? चलो ये थोड़े कठिन हो गए थे। पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, खड़े हो जाइए सभी। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में, श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे ऐसे। बहुत अच्छा है ना? बोले बाबा ऐसे तो सैकड़ों करवा लो, ये भी बहुत अच्छा है। श्वास अंदर भर के एड़ियां ऊपर उठ जाती हैं। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए और सबके फिजिकल फिटनेस के लिए बॉडी की पूरी साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है। हाथ पूरे ऊपर ऐसे खींचे हुए, देखने में सरल है, ये करने में बहुत अच्छा है। ये ऐसे, अब दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ ऊपर सीधे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, एक दूसरे हाथ में, एक दूसरे हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके रखते हैं, हथेलियां ऊपर की ओर, श्वास अंदर भर के साइड में झुके, राइट साइड में। कितना अच्छा है ना? फिर ये साइड में, ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अब एकाग्रता बढ़ाने के लिए मन कैसा रहना चाहिए हमारा? शार्प। एक योग का मुख्य सिद्धांत है, मैं आपको बोलता हूं, जरा आप बोलते भी रहिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो ध्यान जाएगा उस पर। मेरे साथ बोलेंगे, हमें कैसे रहना चाहिए? भीतर से पूर्ण शांत, क्या बोला बोलो? बाहर से पूर्ण क्रियाशील। ये पूर्ण जीवन की, विकसित जीवन की, आदर्श जीवन की परिभाषा। भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण, ये है आदर्श जीवन, आइडियल लाइफ। भीतर से हमें पूर्ण शांत रहना, बाहर से पूर्ण, इसी को कहते हैं जवान। भीतर से शांत,
बाहर से पूर्ण क्रियाशील, अब उसके लिए कुछ प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिस अभी करवाते हैं। थोड़ी कठिन है लेकिन कठिन वाले से पहले सरल करवा देता हूं। दाहिने पैर उठाइए, बाएं पैर से लगाइए, दोनों हाथों को सामने ले आइए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, विचलित मत होना, घबराओ मत, हाथ नीचे। अब दूसरे पैर को उठाइए, इससे मन शांत होगा, मन को शांत करने का उपाय है, किसी किसी का मन बड़ा बेचैन रहता है, मन की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए और शरीर के स्थिरता के लिए। बहुत अच्छा है ना, अब तो कुछ तो इसी में डावाडोल हो रहे हैं, बोले बाबा जमीन हीरा पैर, कुछ ना कुछ उखाड़ उखाड़ पछाड़ चल रही, डांस हो रहा है, क्यों? दिमाग शांत नहीं है, दिमाग ठीक रहना चाहिए, ठिकाने पर रहना चाहिए। अब इसका थोड़ा कठिन अभ्यास है, गरुड़ासन, दाहिने पैर में बाएं पैर को फंसा दिया और हाथ में हाथ को फंसा दे, बाएं हाथ में दाएं हाथ को। कुछ समझ में आया? हाँ, पैर में पैर फंसा दिया, अब बाएं पैर में दाहिना पैर फंसा दे। तो सरल सरल ही बताए, अब कठिन वाला तो ये है। फिर ऐसे ठहर गए, अब बाद में प्रैक्टिस कर लेना मेरे जाने के बाद। बैठ जाओ, बैठ जाइए। एक और विशेष अभ्यास है, अंतिम कठिन अभ्यासों में, ये शुरू में दीवार के साथ किया जाता है, इसको कहते हैं शीर्षासन। क्या नाम है बोलिए? दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लिया और माथा जमीन पर टिका दिया, थोड़ा ऐसे आगे वाला हिस्सा और ये ऐसे और ऊपर उठ गए, पैरों को ऊपर उठा दिया। और इसमें पद्मासन कर लिया, दाहिने पैर को बाएं पैर की जगह पर, बाएं को दाहिने पैर की जगह पर रख दिया, ये पद्मासन हो गया, शीर्षासन में शीर्ष पद्मासन। ये आधा मिनट से लेकर के आप में से काफी जो शुरुआती दौर से कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। रोज ऐसे आधा मिनट से लेकर के एक दो और पांच मिनट तक कर सकते हैं इसको। ये था शीर्षासन, क्या नाम है इसका बोलिए? शीर्षासन, बहुत अच्छा आसन था ये तो। करवाए अभी आपको हमने कठिन आसन, अब करवा देते हैं आपको सरल आसन। सरल आसन करेंगे ना, चलिए बैठिए। अब सबके लिए आसन सब करेंगे। अब ये जो अभी दौर चल रहा था ये तो जवानों के लिए था, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए था, अब सबके लिए आसन। अंगूठा अंदर, अंगड़ियों पर मुट्ठियां बंद, ये 12 आसन सबके लिए हैं। सब करना, दो दो बार कराएंगे, सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए ना, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए है ये। अंगूठा अंदर, अंगड़ियों पर मुट्ठियां बंद, सब कर लेना ये 12 आसन।
कितनी देर लगेगी 12 आसन करने में? लगभग 12 मिनट। अभी सिखा रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं 15 मिनट लग जाएंगे। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, फिर वापस आ जाए। आगे झुक के गर्दन सीधी रखते हैं, यह मंडूक आसन। क्या नाम है बोलिए? डायबिटीज और पेट की बीमारी, ये कॉमन प्रॉब्लम है। पेट खराब रहता, गैस, कब्ज, एसिडिटी। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, झुके रुकेंगे, फिर वापस। जिनको डायबिटीज है, पेट खराब रहता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, बदहजमी, अब इसके लिए कई कई तरह की दवाइयां खाते हैं, कोई ये गोली खा रहे हैं, कोई वो पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बाएं हाथ नीचे, दाएं उसकी ऊपर। जो ये मंडू का आसन करेंगे उनको गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, कोलाइटिस, पेट की कोई बीमारी नहीं होगी। अब पेट को अंदर दबाएंगे और आगे झुक जाए। ये मंडूक आसन का एक अभ्यास हुआ। अब दो अभ्यास पूरे हो गए, एक और दो अभ्यास के बाद अब दोनों हाथ खोलना। ये पेट के लिए था, डायबिटीज के लिए था। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, माथा जमीन पर। दोनों हाथ ऊपर उठा देते, बहुत सुंदर किया सभी ने, हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे फिर से और माथा जमीन पर टिका के थोड़ी देर रुकेंगे इस स्थिति में। फिर दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ साइड से नीचे। ये हो गया शशक आसन। पैर सामने खोल लीजिए, आगे झुके। झुकने से शरीर अच्छा रहता है, दिमाग भी अच्छा रहता है। ऐसे झुक करके हम धरती माता को, जिसको हम भारत माता कहते हैं, ये सबकी जननी है। आज मजहब चाहे कोई भी हो किसी का, लेकिन ये धरती माता सबको, ये भारत माता सबको बराबर जीवन दे रही है, शक्ति दे रही है। माता भूमि, पुत्र हम पृथ्वी, धरती हम सबकी मां और सबको जीवन देती है, इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। दाहिना पैर मोड़ लेंगे, बायां हाथ ऐसे डालना बीच से और ऐसे दूसरे पैर को पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। ये वक्रासन, ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और अच्छा है। मंडूकासन, शशकासन के बाद ये वक्रासन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सरल है। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 12 आसन भूलना मत। फिर पैर सीधा, फिर बाएं पैर मोड़ लेंगे। बाएं पैर मोड़ लिया, दाहिना हाथ बीच से डाला
और ऐसे बाएं तरफ से ऐसे घूम गए। पैर सीधे, ये हो गया वक्रासन। क्या नाम है आसन का, नाम बोलिए? वक्रासन। आपका ध्यान भी रहे और योग का सिद्धांत है, जो भी हम करें एकाग्रता से करें, एकाग्रता पूर्वक जो कुछ किया जाता है वो योग होता है। एकाग्रता के साथ हम जो करते हैं वो अच्छा कार्य होता है, उसमें गलत हम कर ही नहीं सकते। अब बाएं पैर मोड़ लेंगे, बाएं पैर मोड़ लिया, दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख दिया, घुटने पर घुटना आ जाता है। ये बाएं पैर के घुटने पर दाहिना पैर का घुटना आ गया और ऐसे एड़ी पर बैठ गए। करेंगे गोमुखासन। ये सर्वाइकल स्मोलेटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, हाइड्रोसील के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो पैर ऊपर है, अब दाएं पैर ऊपर है ना, तो दाएं हाथ ऊपर से लीजिए, बाएं हाथ पीछे से लीजिए और इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़। छोड़ दीजिए। अब दूसरी ओर से दाहिना पैर मोड़ लीजिए, ऐसे बहुत अच्छा है। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लेके पकड़ा, नहीं तो थोड़े दिनों में कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में, नहीं तो थोड़ी देरों के बाद कंधे जाम होने लगते हैं, सर्वाइकल स्मोलेटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, वर्टिगो की प्रॉब्लम, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। हाथ नीचे, ये कंधे भी ठीक होने जरूरी हैं, शरीर का एक एक अंग ठीक होना जरूरी है। भगवान ने सबको बेशकीमती शरीर दिया है, इसको ठीक रखना हमारा कर्तव्य है। आपका तो स्लोगन ही है, आपका मंत्र है, ध्येय वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। अब जीवन पर्यंत कर्तव्य का पालन वही कर पाएगा जिसका शरीर स्वस्थ होगा, जिसका मन अच्छा होगा, जिसके विचार अच्छे होंगे। और तन मन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। चार आसन बैठ के किए, अब चार आसन कमर के लिए लेट करके उल्टी लेट जाइए। योग में चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, सब मेरे साथ बोलेंगे। योग की चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो विधि, क्या है बोलिए? विधि। विधि को अंग्रेजी में बोलते हैं मेथड, जो भी कर रहे हैं उसकी विधि मेथड ठीक होना चाहिए। दूसरी बात है उसमें विधि के साथ समय, कितने समय किस अभ्यास को करना। अब जैसे यह मकरासन, दोनों हाथ की ठोड़िया हाथ की हथेलियों के ऊपर, ऐसे दोनों हाथ की हथेलियां मिली हुई उसके ऊपर ऐसे ठोड़ी रख दी, कितना अच्छा है ना। अब पीछे से एक एक पैर को ऐसे मोड़ लेते, सीधा कर देते तो और अच्छा हो जाता है। योग का पहला सूत्र है, योग की जो भी विधि करें, मेथड अच्छा होना चाहिए। दूसरा है उसमें समय, कितने समय किस क्रिया को करना है, किस प्राणायाम को, किस व्यायाम को, किस आसन को, योग की किस क्रिया को, दोनों पैरों को एक साथ कितने समय करना है। विधि के बाद दूसरा सिद्धांत है समय। एक एक आसन का, एक एक प्राणायाम का एक सुनिश्चित समय उतनी देर तक करना। तीसरी बात है उसके अंदर एकाग्रता। योगाभ्यास करते समय ऐसे भी हम एकाग्र हो जाते हैं,
एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के जो योग कर रहे हैं उसमें पूरे समाहित होकर के करें, यह है तीसरी बात। और चौथी बात है जो बीएसएफ का भी सिद्धांत वाक्य है, निरंतरता, निरंतरता जीवन पर्यंत कर्तव्य का पालन। आज 1965 से लेकर के 2015 तक का ये 50 वर्ष का आपका स्वर्णिम युग रहा है और स्वर्ण जयंती मना रहे आप। 50 वर्षों तक बीएसएफ ने निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन किया और ये गौरवशाली 50 वर्ष आने वाले अनंत समय के लिए हमारी प्रेरणा है। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा गौरव है, ये हमारा स्वाभिमान है कि हम उस संकल्प को और बल दे रहे हैं। दोनों हाथों को छाती के दोनों साइड में रखा, थोड़ी जमीन पर श्वास अंदर भरते हैं, सामने से उठाएंगे, विधि के साथ जो भी हम कर रहे हैं उसका मेथड अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। सामने से उठाया, कोनिया थोड़ी झुकी हुई, पैर पीछे मिले हुए, ऊपर देखते हैं, श्वास अंदर, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, कोहनिया पार्श्व भागों से सटी हुई। ये स्पाइनल कोड के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से जवानों को, बहुत से अधिकारियों को, चाहे वो हमारे सेना के लोग हैं, चाहे अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, चाहे सामान्य लोग हैं, सबको कमर में दर्द कभी ना कभी हो ही जाता है। ये कमर दर्द के लिए बहुत जरूरी है। फिर नीचे आ जाते हैं। यह भुजंगासन, अब दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख देते हैं। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास कमर के लिए बहुत जरूरी है। आपको पहले मकरासन करवाया, अब यह भुजंगासन करा रहे हैं, कमर के लिए बहुत जरूरी अभ्यास है। सामने से उठा दिया, ऐसे ऊपर देखा, ये ऐसे ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर फिर नीचे, फिर से लंबा गहरा श्वास भरते हैं और ऊपर उठा देते हैं। यस, और थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं। बहुत सुंदर, फिर नीचे आ जाइए, ऐसे थोड़ी देर रुकना चाहिए एक स्थिति में। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, दाहिने पैर को पीछे से उठाते हैं, फिर नीचे ले आते हैं, फिर बाएं पैर को उठाते हैं, थोड़ी देर इस स्थिति में रोक के रखिए, फिर नीचे ले आते हैं। अब दोनों हाथ पीछे पीठ के ऊपर और दोनों तरफ से शरीर को उठा देते हैं, सामने से भी और पीछे से भी, दोनों हाथ पीछे पीठ के ऊपर, कुल्लों के ऊपर और सामने से छाती पीछे से पैर उठा दिए, नीचे आ गए। अब सीधे लेट जाते हैं। कमर के लिए चौथा अभ्यास मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन के बाद ये मरकट आसन, क्या नाम है बोलिए? मरकट, मरकट बोलते हैं संस्कृत में बंदर को, मंकी पोच, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर। कभी आपने किसी बंदर को कमर में दर्द देखा? ये आसनों के नाम इसलिए रखे जाते हैं, बंदर 20-20 फीट की, 25-25 फीट की छलांग लगा देता है, उसकी कमर बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत आदर्श होती है। घुटने पंजे पास में, पैर मुड़े हुए घुटनों से, दोनों हाथ कंधों के बराबर खुले हुए, हथेलियों ऊपर की ओर। अब दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, ऐसे झुका देंगे पैरों को,
ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसका नाम है मरकटासन का पहला पोज। सर दूसरी ओर से घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, ये मरकटासन हुआ। मरकटासन, मरकटासन, फिर बीच में रुक गए, फिर दूसरी ओर से एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। बहुत जरूरी है ये मरकटासन, नहीं तो कमर में दर्द हो जाता है, फिर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और जैसे ओरिजिनल कमर होती है वैसी कमर ऑपरेशन के बाद, कई तरह के इलाज के बाद भी नहीं मिल पाती है। देखो मेरे भाई, ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है। घुटने पंजों में फासला, पहले घुटने पंजे पास में थे, अब घुटनों में, पैरों में, पंजों में करीब एक फिट का फासला। दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पोनाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, सियाटिकोलोमा स्पोनाइटिस, एंकलोजिंग स्पोनाइटिस, मेरुदंड के बहुत तरह के रोग हैं। ये बहुत जरूरी है मरकटासन का दूसरा अभ्यास कमर के लिए। फिर दूसरी तरफ पैर, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में। ये पैर सीधे, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कंधों के बराबर ही रहेंगे। अभी दाहिने पैर को उठाएंगे, बाईं तरफ लेकर के जाएंगे और बाईं हाथ के पास पैर चला जाए, कोशिश करें। फिर वापस ले आएंगे पैर को संख्या के साथ, एक साथ पैर ऊपर उठाएंगे, एक पैर ऊपर, दो। अब बायां पैर को दाहिनी तरफ हाथ के पास लाने की कोशिश करेंगे, जितना ला सकते हैं, दो। गर्दन विपरीत दिशा में, तीन, पैर ऊपर, चार, जमीन पर। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लिया, दोनों हाथ की उंगली कंट्रोल कर लिया, श्वास बाहर छोड़ा और पैरों को दबा दिया, सिर उठाया और नासिका को लगा दिया पैर की घुटनों से, पवन मुक्तासन। अब इसमें थोड़ा आगे पीछे शरीर को झुमा देते हैं तो ये पेट और पीठ के लिए अच्छा हो जाता है, गैस कब्ज भी दूर हो जाती है और कमर की ऑटोमेटिक मसाज हो जाती है। करो, बड़ा मजेदार है, करते करते बहुतों का तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, गैस निकलती जाएगा। ये रिलैक्स, पैर सीधे, पवन मुक्तासन। अब तीन अभ्यास है पेट को, वेट को बैलेंस करने के लिए। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, पहले दाहिने पैर को उठाएंगे एक साथ, एक, दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, सभी दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, दो, नीचे। अब बाएं पैर को उठाएंगे, एक, बहुत सुंदर, दो, कितना सरल है, एक, दो, घुटना सीधा रखो भाई, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस और बस। अब दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे, एक, दाहिने पैर को गोलाई में घुमाएंगे, दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाया ऐसे। ये थाई के लिए, हिप्स के लिए, बटक्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पांच पांच बार घुमाना ऐसे, जिनको भी एक्सेस फैट है, वेट है, उनके लिए बहुत जरूरी। किसी को जेनेटिकली होता है, किसी के जीन से मोटे होते, क्या करें, जैसी बीज वैसी फसल वैसी खेती। अब किसी के घर में, परिवार में सब मोटे मोटे हैं तो वो मोटा हो जाता है, दूसरी तरफ से कीजिए इसको, तो मोटापा जेनेटिक रीजन से होता है, लेस फिजिकल एक्टिविटी से होता है, गलत खाने की आदतों से होता है, कई बार दवाइयों से मोटापा हो जाता है, बैक्टीरियल डिजीज हो, इन्वायरमेंटल डिजीज हो, ड्रग्स से डिजीज हो, गलत आदतों से कोई बीमारी हो, लेस फिजिकल एक्टिविटी से कोई बीमारी हो। दाहिने पैर को दाएं और बाएं और पूरी गोलाई में घुमाया, ऐसे बाएं पैर को भी, किसी भी कारण से कोई भी रोग हो, योग एक समाधान है। कारण सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, नोन अननोन,
रीजंस हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन समाधान सॉल्यूशन योग बड़ा शून्य बनाया पैर से, फिर दूसरी ओर से अपोजिट साइड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसके विपरीत दिशा से रिवर्स ऐसे दोनों तरफ से लास्ट द्विचक्री का आसन साइकिलिंग ऐसे दोनों पैरों से अलग अलग भी कर सकते हैं ऐसे और दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, ये दूसरी तरफ से हो गया ऐसे दोनों तरफ से दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं ऐसे एक साथ दोनों पैरों से कर सकते हैं ऐसे ये अभ्यास हुआ दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स एक एक पैर से भी कर सकते हैं दोनों से भी कर सकते हैं कमर में दर्द हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो दोनों पैरों से नहीं करना एक एक से करना रिलैक्स अब सब सवासन करेंगे ये बहुत अच्छा आसन है सब आसनों के बाद सवासन जरूर करना चाहिए सवासन सवासन का मतलब है विश्राम का आसन कैसे होता है ये सवासन दोनों पैरों में थोड़ा फासला दोनों हाथ जगहों से थोड़ी दूरी पर शरीर सहज आंखें बंद पूरा शरीर ढीला शिथिल रिलैक्स रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ श्वासों पर ध्यान शरीर को दे रहे हैं विश्राम दोनों पैरों में थोड़ा फासला है जंघाओं से थोड़ी दूरी पर और शरीर को ढीला छोड़ देते हैं सवासन इसीलिए कहते हैं सब जैसी स्थिति हो जाए शरीर ये सच है कि एक दिन ये दुनिया ये देह ये तन ये शरीर ये घर ये परिवार सब हमें छोड़ के ही जाना है आत्मा अचर अमर नित्य विनाशी है वो इस शरीर को छोड़ के चला जाता है तब ये शरीर शव हो जाता है जो जीते जी शरीर को शववत अनुभव कर लेते हैं वे शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हैं जिसने शरीर को शववत समझ लिया है उनकी आत्मा में शिवत्व आ जाता है पवित्रता आ जाती है दिव्यता आ जाती है हम अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है हमारे जीवन में किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है सृष्टि की एक एक परमाणु को सृष्टि की एक एक इकाई को मनुष्य और मनुष्येतर जीव जगत को भगवान ने पूर्णता के साथ पैदा किया है हम अपने आप में पूर्ण है हमारा शरीर पूर्ण है शरीर की एक कोशिका में पूर्णता है हमारे अंग प्रत्यंगों में पूर्णता है हमारे हृदय में हमारे मस्तिष्क में हमारी आत्मा में पूर्णता है भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है हम भगवान की महिमा को समझ न पाए तो ये भगवान का दोष नहीं हमारा दोष है श्वासों के साथ एकाकार हो जाते हैं अंतर्मुखी हो जाते हैं रिलैक्स हो जाते हैं सहज हो जाते हैं तन को मन को ढीला छोड़ देते हैं ऐसे सब आसनों के बाद थोड़ी देर ये सवासन जरूर करना 2 से 5 मिनट दोनों हाथों को ऊपर उठाना आपस में रगड़ना और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर करना आंखें खोल लेना बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाना
और अब सब आसनों के बाद शवासन करके बैठ गए, अब प्राणायाम करवाएंगे। कितनी सुंदर सुबह है, सीधे बैठिए। मेरे सामने से सूर्योदय हो रहा है, चारों तरफ वातावरण में पावनता है, एक नीरवता है, शांति है। आइए सीधे बैठ जाते हैं, सिद्धासन या सुखासन में, बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर। बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में नीचे से, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में ऊपर से, ही सिद्धासन होता है। जो ऐसे नहीं बैठ सकते, बस पलौथी मार के बैठ जाएं। दोनों हाथों को एक मुद्रा विशेष में रखते हैं, ध्यान मुद्रा। पहले अंगुली और अंगुष्ठ के अग्रभाग को मिला लेते हैं, ये ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा। पहले अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगा देते हैं। वायु मुद्रा गैस्ट्रिक के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छी होती है। ध्यान मुद्रा मन की एकाग्रता के लिए। इन दोनों मुद्राओं में से एक मुद्रा का चयन कर लीजिए। पांच अंगुलियां ब्रह्मांड के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यम आकाश का, नामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और अंगुलियों को भिन्न भिन्न प्रकार से मिला देने से भिन्न भिन्न मुद्राएं बनती हैं। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा विशेष में दोनों हाथ रखते हैं। सीधे बैठ करके एकाग्रता पूर्वक श्वास लंबा लेंगे और छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास भरा और बाहर छोड़ दिया। डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग। भोर का समय, जागरण का समय, जागने का वक्त आ गया। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, ये प्राण है स्वदेश के लिए। लंबा गहरा श्वास भरते हैं। धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपका दो ढाई तीन सेकंड में श्वास अंदर लेना और इतने ही समय में धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना। प्रारंभ में ढाई सेकंड में श्वास ले पाते हैं, ढाई सेकंड में छोड़ पाते हैं। अभ्यास के बाद पांच सेकंड में श्वास लेना, पांच सेकंड में श्वास छोड़ना, ये राइट टाइमिंग है। भस्त्री का मेथड टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी। मैंने चार बातें अभी कही थी आपको, विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता। जीवन पर्यंत कर्तव्य, यही तो आपका स्लोगन। और जीवन पर्यंत कर्तव्य का निर्वहन हम तब कर पाएंगे जब हमारा तन स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा। मैंने एक सिद्धांत दिया था आदर्श जीवन का, भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। बाहर से क्रिया चल रही है प्राणायाम की, और भीतर से मन पूर्ण शांत। आइए सब मिलकर के ऐसे पांच मिनट कीजिए, प्रार्थना पूर्ण हृदय से, एकाग्रता के साथ। ये प्रभात का समय, ये जागरण का समय, और 50 वर्षों तक आपने जागरूकता के साथ, शौर्य के साथ, स्वाभिमान के साथ, आत्म बलिदान के साथ, इन 50 वर्षों तक अपने कर्तव्य का पालन किया। जीवन पर्यंत कर्तव्य, इस सिद्धांत को आपने जिया। और आज हम बीएसएफ की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। भारत पाक युद्ध के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल तैयार किया गया, जिसको हम सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। 1965 से लेकर के आज 2015, ये 50 वर्षों का कालखंड हमने पूरी प्रामाणिकता से देश की सेवा करने के लिए अपने आप को समाहित किया, और अब अपने आप को और तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक और आदर्श कायम कर।
लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पांचों प्राण पुष्ट हो रहे हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, अन्न में प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में पांचों कोश सफल हो रहे हैं, भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा योग से, देश की सुरक्षा अपने जीवन से। जागने का वक्त आ गया, 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 जागने का वक्त आ गया। ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे 5 मिनट करना। अब दूसरा प्राणायाम कपालभाति, श्वास को बाहर छोड़ेंगे कैसे, 1 सेकंड में एक बार। बहुत अच्छा प्राणायाम है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक पूरे शरीर की शक्ति का जागरण हो रहा है और एक जागरण गीत भी गा रहे हैं। श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, खून है स्वदेश के लिए, मान है स्वदेश के लिए, ये सब जवानों का संकल्प है और यार हर एक हिंदुस्तानी का ये संकल्प होना चाहिए। मात्र देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के जवानों का ही नहीं, मात्र सेना का ही नहीं, जन जन का, सबका ये संकल्प। और ये संकल्प इसीलिए हम राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखते हैं। कपालभाति कर रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं और एक संकल्प अंदर से, खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए, गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, गरजता तूफान आज इन दिलों में उठ गया, जो झकोर कर जगा गया, जगा गया, हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। पांच मिनट तक कम से कम लगातार करना है इसको, 5 मिनट का एक राउंड है इसका, एक आवृत्ति 5 मिनट्स की, 1 सेकंड में एक बार कम से कम। जो जवान है वो तो 2 बार भी कर सकते हैं। हेल्दी पर्सन के लिए जिसको कोई रोग नहीं है, निरोगी व्यक्ति 120 बार तक कर सकता है, जो रोगी है वो 60 ही बार करे, ये रोगी वाली स्पीड है। और जो निरोगी है, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना सबको है।
चमक। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं रुकी। काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जो जवान देश के लिए शहीद हो गया, मौत को वही झुका गया, झुका गया। हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। विश्राम करना चाहिए, ये इसका रूल है। तो विश्राम करते हुए भी एक काम करेंगे। कपालभाति हो रहा था, अब ताली बजाएंगे। ताली बजाने से ना भीतर की सारी शक्ति जाग जाती है, हाथों में सारा आरोग्य है। यहाँ थायराइड का पॉइंट है, अंगूठे के नीचे पहली दूसरी अंगुली के नीचे आंख का है, उसके बाद फेफड़े का, लास्ट में कान का, उसके नीचे हार्ट का, बीच में किडनी का, यहाँ आंतों का, और अंगुलियों के ऊपर टोप पर है वो स्ट्रेस के लिए। तालियां हाथ उठा करके और गाइए मेरे साथ। सरहदों की वो पहाड़ियां जाग कर हमें निहारते, याद कर रहे हैं काम और गाइए। सरहदों की वो पहाड़ियां जाग कर हमें निहारते, जो सुनो वहां की घाटियां सोचते हमें पुकारते, लो सुनो वहां की घाटियां पूजती हमें पुकारती। इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे। कफन बांध कर ये प्रण लिया, ये प्रण लिया, जागने का वक्त आ गया, 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 अरे जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। वंदे मातरम। इंच इंच भूमि हम स्वदेश की बचाएंगे, कफन बांध कर ये प्रण लिया, जागने का वक्त आ गया। तो आपको 5 मिनट कपाल भाती कराया, ऐसे कितनी देर करना है कम से कम, ये 10 से 15 मिनट। कितनी देर करना है कम से कम रोज, 10 से कम से कम 5 मिनट। अब देखो एक प्राणायाम है, इसका लाभ क्या क्या हो रहा है। सांस बाहर छोड़ा तो किसका व्यायाम हुआ, दाएं तरफ इधर है लीवर, लेफ्ट साइड में इधर है स्प्लीन, बीच में है पेनक्रियास इंटेस्टाइन, माताओं बहनों को यूट्रस ओवरी, पुरुषों का प्रोस्टेट, इधर है स्टमक, इसके नीचे है गॉल ब्लैडर, इधर इधर दोनों है फेफड़े, राइट लेफ्ट लंग, इधर है हार्ट, इधर गले में है थायराइड पैराथायराइड। अब अंदर के शरीर का व्यायाम करना है, इसके लिए
कोई ट्रेनिंग अक्सर दी नहीं जाती है। इंटरनल एक्सरसाइज कैसे करनी हमारे इंटरनल बॉडी के पार्ट्स की। ऊपर से तो ठीक है, मसल्स तो ठीक है, मसल्स तो अच्छे बने हुए, लेकिन भीतर लीवर में गड़बड़ी आ गई, हेपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, ये जवानों को भी हो जाती है बीमारियां। ऊपर से तो ठीक है, किडनी फेल होगी, भीतर से पथरी हो गई, बाद में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया और किडनी फेलियर हो गया। डायलिसिस आजकल आम लोगों से लेकर के हमारे सेना के और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी करवाना पड़ रहा है कईयों को, क्यों? किडनी खराब हो गई। जो कपालभाति करेगा करो, उसका कभी लीवर खराब नहीं होगा, उसकी कभी किडनी खराब, उसको हार्ट अटैक, ये है कपालभाति का फायदा, उसको शुगर की बीमारी नहीं होगी। आजकल तो जवानों को भी शुगर होने लग गया, क्यों साहब? रिजवी जी, जवानों को भी होने लग गया है ना शुगर, थोड़ो थोड़ो, सबको नहीं, अब किसी किसी को जेनेटिकली होता है, क्या करें? अब ये कोई ऐसा नहीं कि कोई खराब भी आप में, किसी किसी जवान को क्यों होने लगे, माँ बाप को था तो बच्चे को हो गया। ये शुगर का रोग माँ बाप को है तो भी आपको नहीं होगा, ये है योग की ताकत। माँ बाप को ब्लड प्रेशर था, माँ बाप को शुगर था, माँ बाप को हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपको नहीं होगी योग से, यह है योग का लाभ। लीवर खराब नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगी, पेनक्रियाज खराब नहीं होगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी, गैस कब्ज की बीमारी नहीं होगी। जवानों को भी गैस कब्ज की बीमारी होती है, और हमारे बहुत से लोग बोलते हैं क्या करें जी, पानी खराब है, अब बीएसएफ वाले पानी से कैसे बच सकते हैं? मैंने कहा 6385 किलोमीटर का यह बॉर्डर सुरक्षित रखना है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, या राजस्थान से लेकर के और उधर त्रिपुरा तक, मानी पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक, पूरे सीमा पर आपको कभी भी कहीं पर भी कोई किसी भी बटालियन को भेज दिया जाता है। भाई पानी तो बदल नहीं सकते आप, अपने आप को बदल सकते हो, और अपने आप को बदलने की ताकत हमें देता है योग, जो हमें सब प्रकार की परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए ऊर्जा देता है। इसलिए योग करोगे तो भाई पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर के बांग्लादेश तक कहीं पर भी रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, ये है पक्की बात। ये है, आप करते हो देश की सुरक्षा, और आपकी सुरक्षा कौन करेगा? बोलो, योग। ये है हमारी योग की ताकत, हम करेंगे देश की सुरक्षा और योग करेगा हमारी रक्षा, सुरक्षा, ये है। और भाई आज तो बढ़िया समय है, आज तो देश का प्रधानमंत्री भी योग कर रहा है, अच्छी बात है ना, और देश का जवान भी योग कर रहा है, ये भी अच्छा समय है कि देश का प्रधानमंत्री भी योग कर रहा है। और भाई जो राजनीतिक स्लोगन है उनको, उनकी मैं यहां कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो योग करेगा ना भाई, उसके अच्छे दिन जरूर आ जाए। बाकी भाई किसके कब आएंगे, मोदी जी जाने और भगवान जाने, उनका काम वो जाने। भाई जो योग करेगा उसके बुरे दिन नहीं आएंगे भाई, कर लो थोड़ी देर। मैं बीच बीच में थोड़ा हंसाता भी, बहुत से तो हंसते ही नहीं, इतना बोझ अपने ऊपर लेके चलते हैं जैसे सारी धरती उन्होंने थाम रखी हो। हमारे आश्रम में एक बहुत बड़ा हॉल है, करीब 10 एकड़ जमीन में बना हुआ है, एक छिपकली उसके ऊपर छत पर घूम रही और राजी हो रही कि छत मैंने थाम रखी है, थोड़ी देर धड़ाम से नीचे पड़ी, छत ऊपर ही रुकी हुई थी, वो छिपकली की तरह छत पर घूम रहे और यूं सोचा ये धरती हमने थाम रखे रहा, धरती तो मालिक ने थाम रखी, तो अपना आपा थाम ले बावड़े। ओम परेशान रहते, सिर यूं बाहरी सा कर लेंगे, मुंह बिगाड़ लेंगे, पता नहीं बहुत सैकड़ों प्रकार की आकृति बन जाती है जब हमारा मन खराब होता है ना, आंखों का बुरा हाल, चेहरे का बुरा हाल, होठों का बुरा हाल, वो आदमी ने यूं लग गए सोचा पता नहीं इसके घर में सारे मर गए के ऊ बावड़े से। अरे भाई ठीक रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्नता प्रसन्नता ये बहुत जरूरी है। जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो सुंदर दिखना चाहते हैं, स्वास्थ्य
सुंदरता के लिए, शक्ति के लिए और अच्छा काम करना चाहते हैं जीवन, उसके लिए प्रसन्नता बहुत जरूरी है। जो खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और खुशहाल रहेंगे सब तरह से। कपालभाति करो, करो थोड़ी देर और कर लो, फिर अगला करवाएंगे। आज का आज, फिर कल का कल, 3 दिन में पूरी दीक्षा देके जाएंगे योग की। 3 दिन में पूरी शिक्षा जो हमने बचपन से लेके आज तक कमाया है वो सब आपको दे करके जाएंगे। और मैं तो एयरफोर्स और सेना के भाइयों को भी BSF की तरफ से निमंत्रण देता हूं कि वो भी आकर के हमारे यहाँ योग सीखें, उनको भी आप सबकी ओर से आमंत्रण है भाई। ये तो सबका साझा काम है। तो जो भी हमारे इस इलाके में सेना के भाई हैं, एयरफोर्स के भाई हैं, कल उन्हीं के हवाई अड्डे पर हम उतरे। रात को देर हो गई थी क्योंकि कल स्वच्छता अभियान का एक विशेष कार्यक्रम था महामहिम राष्ट्रपति की जात में, आदरणीय नायडू जी के साथ में। तो हम 8 बजे के बाद दिल्ली से चले, फिर भी पहुंचे, क्योंकि आज तक मैंने जिंदगी में जितने भी कार्यक्रम दिए हैं, करीब 20 लाख किलोमीटर की मैंने यात्रा की है और करीब 20 करोड़ लोगों को ऐसे योग सिखाया जैसे आपको सिखा रहा हूं, लेकिन एक दिन भी कोई कार्यक्रम में न लेट हुआ, न किसी कार्यक्रम को मिस किया। और यहां पर भी 5 बजे का समय था और हम 5 बजे का मतलब 5 बजे नहीं होता है, 5 बजे का मतलब होता है 5 बजे से पहले। आज हम 5 मिनट पहले आए थे, वैसे मेरा 5 बजे का मतलब होता है 4:45, राइट टाइम माने बिफोर टाइम, ऐसा होना चाहिए। और आप तो उसके पाबंद, आपको तो सिखाया जाता है समय का अनुशासन। और भाई समय किसी को माफ नहीं करता, और जो समय को पहचान लेता है उसका भी समय बदल जाता है और वो समय को बदल देता है, इतिहास बनाता है। हमें समय का तो पाबंद होना चाहिए। तो आज आप सबके संकल्प से ये शिविर का पहला दिन है, आज आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, कल फिर आपको और अधिक सिखाएंगे, माने व्यायाम से लेकर के आसन और प्राणायाम से लेकर के ध्यान तक सब कुछ सिखा के जाना आपको। कपालभाति थोड़ा सा और कर लीजिए, 2-3 मिनट ये कपालभाति करवा करके हमने क्या क्या किया थोड़ा आपसे बता रहे हैं। आज आप सब परिवार के साथ आए, मैं देख रहा हूं जवानों की तरह ही, जवानों के परिवार भी हमारे काफी फिट है, जो फिट नहीं और फिट हो जाएंगे, सबको फिट रहना है। देखो भाई, हेल्थ और फिटनेस ये सब के लिए जरूरी है। अब कुछ लोग मॉडलिंग करते हैं, अपने शरीर को अच्छा रखते हैं, वो एक अलग बात है। हम कोई मॉडलिंग नहीं करते, लेकिन भाई अपना मॉडल खराब क्यों करें, अच्छा रखें अपने आप को, बहुत जरूरी है। और योग से तन तो अच्छा होता ही है, मन शांत हो जाता है, मन निर्विचार निर्विकार हो जाता है, मन में कोई गलत बात रहती नहीं, तन भी साफ और मन भी साफ। जब तन और मन साफ होगा तभी तो देश के साथ हम इंसाफ कर पाएंगे। और आपका स्लोगन मैंने कहा जीवन पर्यंत कर्तव्य, तभी तो हम निभा पाएंगे जब हमारा तन और मन अच्छा होगा। जब तन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे, भाव अच्छे होंगे, संकल्प अच्छे होंगे, तभी हम अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन कर पाएंगे। अब मैं बीमारियों की बात करता हूं थोड़ी देर। बड़े रूप में एक बीमारी कही जाती है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तनाव सब बीमारियों की जड़ है। थोड़ा और कहें तो तनाव से क्या होता है, सबसे पहले तनाव से दिमाग खराब होता है। तनाव का सबसे पहले असर हमारे दिमाग पर होता है, फिर दिल पर होता है, फिर पेट पर होता है। जब तनावग्रस्त होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो शरीर से जहर निकलता है, जहरीले केमिकल सॉर्स हार्मोन्स निकलते हैं। तो तनाव से हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारा दिल खराब हो जाता है, हमारा पेट खराब हो जाता है और पूरा शरीर ही खराब हो जाता है। स्ट्रेस की कोई दवाई नहीं है। मेडिकल साइंस की दृष्टि से बोले तो इन मॉडर्न मेडिकल साइंस देयर इज नो मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। तनाव के लिए कोई दवाई बनी नहीं और ना बन सकती। योग करेगा ना उसको कोई तनाव नहीं रहेगा, ये पक्की बात है।
कोई तनाव नहीं, न तन में न मन में। स्ट्रेस फ्री लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ, और अगली बात कहूं तो ड्रग फ्री लाइफ। स्ट्रेस डिजीज ड्रग फ्री हेल्दी प्रॉस्पेरस पीसफुल लाइफ चाहिए, उसके लिए ही योग कपालभाति। हमने मोटे लोगों को कपालभाति कराया, उनका वजन घटाया, जिनको शुगर थी उनको कपालभाति कराया, उनकी इंसुलिन तक बंद करवाई, इंसुलिन बंद हो गई, शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, कोलेस्ट्रोल की दवाई, दवाइयां किसके लिए खाते, इसके लिए उठाते हैं। और कोई भी दवाई का असर 4 से 8 घंटा होता है। ब्लड प्रेशर की दवाई खा लो, 4 से 8 घंटा बीपी नॉर्मल रहेगा, फिर दोबारा खानी पड़ेगी। शुगर की दवाई खा लो, कोलेस्ट्रोल की दवाई खा लो, गैस की, एसिडिटी की, नींद की कोई भी दवाई खा लो, किसी भी दवाई का असर 4 से 8 घंटे से ज्यादा नहीं होता। योग का असर परमानेंट होता है, ये है योग की ताकत। और खर्चा कुछ भी नहीं होता, तो आपका भी खर्चा बच जाएगा, बीएसएफ का भी खर्चा बच जाएगा दवाइयों का, हॉस्पिटल में जाना ही नहीं पड़े। 100 साल तक स्वस्थ रह करके जिए, कितनी अच्छी बात है। मैं चाहता हूं इस देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में यदि कुल मूल्यांकन किया जाए तो बीमारियों में और बुराइयों में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हो रहा है। योग करेंगे तो दोनों खर्चे बच जाएंगे, ना तो कोई बीमार होगा और ना कोई बुराइयों में फंसे, बीमारियों और बुराइयों से बाहर निकाल देता है योग, बीमारियों और बुराइयों से बाहर निकालता है हमको योग, कितनी अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते, कपालभाति हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। लगभग 20 साल से मुझे पूरी दुनिया टीवी पर देखती है, कार्यक्रमों में देखती है, आज तक बाबा कभी बीमार पड़ा? बोलो, बाबा जिस दिन बीमार पड़ेगा तो वर्ल्ड की ब्रेकिंग न्यूज बढ़ेगी, सारी दुनिया में आएगा विश्व का सबसे बड़ा योग गुरु बाबा रामदेव बीमार पड़ा। भाई मैं ऐसे नहीं पढ़ना चाहता भाई। देखो भाई, जो बीमार आदमी होता है ना, खुद भी दुखी होता है और औरों को भी दुखी करता है। मैं खुद भी दुखी नहीं होना चाहता, और भाई जो मुझे जानते पहचानते मुझे प्यार करते मैं उनको भी दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए बीमार नहीं होना चाहता। जो बीमार होता है वो खुद भी दुखी होता है और अपने परिचितों को भी क्या करता, बोलो, दुखी करता है। जो खुद दुखी होता अपने घर परिवार वालों को, अब जो बटालियन में कोई आदमी को किसी को कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो बोलो पूरी बटालियन दुखी होती है कि नहीं होती है? भाई अपने को ये दुखी होने वाला काम नहीं करना, ना खुद दुखी होना ना औरों को दुखी करना, इसलिए योग करना भाई, ये रास्ता बढ़िया आएगा, साफ रास्ता। चलो अगला अभ्यास, श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, 3 बंद लगेंगे, बाह्य प्राणायाम होगा, थोड़ा एक बार देख लो। कुछ समझ में आया? बोला बाबा समझ में तो आया लेकिन भीतर नहीं जा पाया पेट। श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोकेंगे, थोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे, इसको बोलते हैं जालंधर बंद। क्या है बोलो? और या ना कुछ ध्यान रहे तो पंजाब वाला जालंधर याद रख लेना। ये क्या नाम है बोलो? जालंधर बंद। और पेट को अंदर खींच करके पेट से लगा दिया, पेट को अंदर खींच के पीठ से लगा दिया, तो ये हो गया उड्डयन बंद। क्या है बोलो? उड्डयन बंद। जब पेट अंदर से किसी का भीतर घुस जाए तो यूं कहना लोग, अरे क्यों उड़ेगा के, तो ये उड्डयन बंद। और नीचे वाले भाग को खींच के रख लिया, नाभि के नीचे वाले भाग को, इसका नाम है मूल बंद। क्या नाम है बोलो? और पेट को सिकुड़ के लगाया तो अभी तो बताया था उड्डयन बंद। दिमाग मेमोरी तेज है भाई। और फिर ये थोड़ी को कंठकूप में लगाया तो जालंधर बंद। सबको याद हो गए तीनों? ये बाह्य प्राणायाम है, 3 बंद लगते हैं। देखो सब बैठे रहेंगे, मैं खड़े होकर के बता रहा हूं, ऐसे ¶¶
बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं। अब इससे अगला एक और है, पेट को गोल घुमा देते हैं। ये सब नहीं घुमा पाते, मैं थोड़ा बता देता हूं एक बार कैसे। पेट को बीच से निकालेंगे श्वास को बाहर छोड़ के, साइड से अंदर खींच लेंगे, फिर गोल गोल घुमाएंगे। दोनों तरफ से घुमा दिया, आप भी घुमाओगे? बोला पापा कोशिश तो कर लेंगे। अब आदमी शुरू में घुमाने लगा ना आगे से तो कुछ निकलता नहीं, पीछे से घुमाओ। मैंने कहा भाई तेरा तो बैग गिर लग गया भाई। सुनो देखो, ये तो थोड़ा मैंने आपको हंसाया। देखो ये जो नोली क्रिया तो कठिन है, बाह्य प्राणायाम तो करने की कोशिश कर सकते हैं सभी, इसको 3 बार करना है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, 3 बंध लगाते हैं, जालंधर बंध, उड्यान बंध, मूल बंध, जितना जिससे बन पाए करने की कोशिश करना, 3 बार सब करना रोज। ठीक से समझें और प्रयास करें। बाह्य प्राणायाम के बाद एक अगली क्रिया है, उसको बोलते हैं अग्निसार। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, पेट को अंदर खींचते और ढीला छोड़ते हैं। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, होल्ड कर दिया, फिर पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, एकदम सहज। बहुत अच्छा है ना, पूरा मध्य प्रदेश हिल जाता है इससे, पेट अच्छा हो जाता है, गैस की दिक्कत। तो बहुत से लोग तो गैस ऐसी जबरदस्त रहती है, ऊपर से भी सीमा पर फायरिंग तो कभी कभी होती है, इसकी ऊपर और नीचे से फायरिंग रोज चले, तो भाई अपनी फायरिंग रोकनी हो ना, बाकी तो जो देखा जाएगा सीमा की फायरिंग। तो सीमा पर तो जब जरूरत पड़े तो हमारे जवान हमेशा तैयार रहते हैं, और यदि कोई हमारे सीमा पर आक्रमण करने की कोशिश करता है तो बीएसएफ ने हमेशा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और आगे भी भाई वो एक मारे तो 4 ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना काम ही है, इसके लिए तो बने ही हैं, इसके लिए तो अपना बीएसएफ है, और क्या दिक्कत है। लेकिन भाई अपनी बमबारी रोकना, गैस, कब्ज, एसिडिटी और पेट खराब रहना तो आदमी का मन भी ठीक नहीं रहता। ये कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम करने से पेट ठीक रहेगा, तन ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा। कहते ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा का वास होता है। देखो ये बहुत जरूरी है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये इंडाइजेशन, ये छोटी छोटी बीमारियां, लेकिन इनका असर बड़ा खतरनाक होता है ना। अगली बात, थायराइड की बीमारी बहुत हो रही आजकल, गले और थायराइड के लिए, थायराइड, गले की बीमारी, थ्रोट इंफेक्शन, कुछ रात को सोते सोते बड़े खर्राटे मारते हैं, बहुत बुरी हालत है। और किसी एक बैरिक में मान लो जो 7-8 सो रहे हो और एक उसमें खर्राटे बाज होना तो सबकी नींद आराम कर दे, तो उसने कपाल भाती रे उज्जाई करवा दी हो, उसकी खर्राटे की समस्या खत्म हो जाएगी।
खर्राटा, इसको स्नोरिंग कहते हैं अंग्रेजी में। फिर किसी किसी के सोते सोते में फिर श्वास रुक जाते हैं, इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। उस दोनों के लिए गले की खराबी के लिए उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास अंदर भरना, भर के रोक के रखना, और फिर रोकने के बाद फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ेंगे। क्रमशः मेरे साथ करना इसका अभ्यास। सभी लंबा गहरा श्वास भरेंगे, गले को टाइट करके अंदर भरते समय आवाज होगी। अब दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना, दाएं नाक को अंगूठे से बंद कर लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। समझ में आई बात? फिर से एक बार करके देखो, तीन बार ये भी कर लेना, बाह्य प्राणायाम उज्जाई तीन तीन बार अच्छा है। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरते समय साउंड करना है, बाहर छोड़ते समय यूं नहीं करना, ये तो छोड़ते समय उल्टा हो गया, सीधा करना है। अंदर भरते समय कीजिए सभी, नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दे। ये हो गया उज्जाई। क्या नाम है बोलो इसका? उज्जाई। तो ये सीक्वेंस क्रम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, बीच में अग्निसार क्रिया करवाई, उज्जाई। अब अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, फिर श्वासों पर ओम का, प्रणव का, भगवान का, खुदा, गॉड, वाहे गुरु, ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा का ध्यान करवाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सब करेंगे। देखो, पहली उंगली को अंगुष्ठ के मूल में लगा दो, ये हो गई वायु मुद्रा। अब पहली उंगली अंगुष्ठ के मूल में लग गई, अब ये दो उंगलियां है ना, इनसे बाएं नाक को, अंगूठे से दाएं नाक को ऐसे बंद करना, तो बाएं से स्टार्ट करना है। बाएं को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, दाएं को पिंगला, बीच की सुषुम्ना नाड़ी है। बाएं से श्वास लेंगे, सब बाएं से श्वास लें। अब बाएं नाक को बीच की दो उंगली से दबा देंगे, दाएं से छोड़ें, दाएं से छोड़ दिया, अब दाएं से ले, बाएं से छोड़ दें, सब करें धीरे धीरे। अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करना है मेरे साथ साथ, रुकना नहीं है। और अभी करते करते ना आपको इससे पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ये स्ट्रेस के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, नींद जिनको नहीं आती उनके लिए, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, मन की शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा करते करते ना अंदर से, मैंने बोला था भीतर से हमें रहना पूर्ण शांत, बाहर से रहना क्रियाशील, बाहर से करना पुरुषार्थ। तो भीतर से प्रभु भक्ति और राष्ट्र भक्ति एक साथ जागती है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरी बिछड़ी तुझको दिल को, तू ही मेरी आ, तू ही मेरी आ। अनुलोम विलोम प्राणायाम लय के साथ करना है, कंटिन्यूटी में, रुकना नहीं है किसी को भी, सब करेंगे, सब कीजिए। कुछ बैठ जाते ना, डू दिस कंटिन्यूअसली, फॉलो दिस कंटिन्यूअसली, डोंट ब्रेक इट। रुकना नहीं है किसी को भी, लगातार करना मेरे साथ साथ, तभी तो पता लगेगा इसका लाभ क्या है।
करते करते 5 ही मिनट में मन पूर्ण शांत, स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री, ड्रग फ्री, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल लाइफ आप रियलाइज करेंगे अभी यही। मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। है जिनका अभ्यास नहीं वो बीच में छोड़ देते, बीच में छोड़ना नहीं। 5 मिनट करोगे ना तो अपने आप ही ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी।
समाधान मिल जाएगा जीवन। चलिए आज पहला दिन है, कल और 5 मिनट तक लगातार करने का अभ्यास करेंगे। अब मिल करके सब गाएंगे, थोड़ा एको प्रेशर भी हो जाएगा। छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुंचे हैं हम, छोड़ कर तेरी अपने भीतर हृदय में स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे प्राणों में, हमारी आत्मा में जहां एक और राष्ट्रभक्ति है, वहीं प्रभु के प्रति भी अनन्य भक्ति है। क्योंकि जीवन की डोर एक अज्ञात शक्ति के हाथों में, उसी को हम गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, परमात्मा भगवान कहते हैं। आज्ञा चक्र में यहां ध्यान लगाएंगे, आज्ञा चक्र में, या इसको बिंदु चक्र कहते हैं, यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, मन को टिकाएंगे। और आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में भगवान ही तो हैं। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमतो द्रम दिवम यश चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ये दिवलोक भगवान का सिर, अंतरिक्ष लोक भगवान का उदर है, पृथ्वीलोक भगवान के पैर, ये सारा अस्तित्व भगवान ही का मूर्त रूप है। वासुदेव सर्वमीशावासमिदं सर्वम् ओम सर्वम् खलु इदं ब्रह्म। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का ध्यान होगा आज्ञा चक्र में। और ज्योति रूप में परमात्मा को अनुभव करते हुए, भगवान ही की ज्योति से, भगवान ही की शक्ति से, सबकी ज्योति है, सबकी शक्ति है, सबका ऐश्वर्य है, सबका सुख है, सबके मूल में भगवान है, सबके मूल में भगवान को देखने की दृष्टि, यही ध्यान है, यही भगवान की भक्ति है। लंबा गहरा श्वास भर के ये भ्रामरी प्राणायाम 5 बार करना है। स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है ये भ्रामरी। मुख बंद, श्वास भर के नाद में ओंकार का उच्चारण करेंगे भ्रामरी। Mm-hmm.
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, लंबे गहरे श्वास, भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम। फिर से लंबा गहरा श्वास भरना। आज्ञा चक्र में मन को ठिकाना, ज्योति स्वरूप में आपको भगवान की अनुभूति होती है। साइलेंस, पूर्ण सहज, कंप्लीट साइलेंस, पूर्ण शांत, पूरी नीरवता, मौन होकर के श्वास पर मन को टिका देते। जितनी गहरे श्वास, जितने लंबे श्वास उतना ही मन शांत होगा। लंबे गहरे श्वासों पर मन को टिका के ये मनुष्य और मनुष्येतर जीव जगत जो भी अस्तित्व है, इसके मूल में भगवान है, सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, सबको भिन्न भिन्न प्रकार से सुख समृद्धि देने वाला और अंत में अपने भीतर सबको समाहित करने वाला एक भगवान। उस भगवान की शरण, प्रभु तेरी ईश, प्रभु तेरी ईश, भगवत शरणागति। हर श्वास के साथ भगवान के प्रति कृतज्ञता की रखते हैं। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह के, प्रभु बहुत अनुग्रहकार हैं आप। हाथों को ऊपर उठाना, आपस में ऐसे श्वासों पर थोड़ी देर ध्यान करने मात्र से ही मन एकदम शांत हो जाता है। ऐसे हर रोज थोड़ा सा ध्यान भी करना है। अब ध्यान में हम सोचते हैं कि ध्यान किसका करें, जैसे ही श्वासों पर भगवान का ध्यान करने लगते हैं तो किसका ध्यान आ जाता है, बोलो ना जवानों, बोलो बाबू जी, घर वालों का ध्यान आ जाता है। ध्यान कर रहे हैं भगवान का और ध्यान आ गया घर वालों का,
तो कोई नहीं, घर वालों में भी तो भगवान ही है भाई। तो भगवान का ध्यान करते समय जिसका भी ध्यान आए उसमें भी किसको देखना? भगवान को। जिसका भी ध्यान आए सब में किसको देखना बोलो? ये भगवान के ध्यान करने की विधि समझा रहा हूं। माता में भी भगवान, पिता में भी भगवान, पत्नी में भी भगवान, पति में भी भगवान, बच्चों में भी भगवान, गुरु में भी भगवान, इस सारी सृष्टि के जर्रे जर्रे में कौन है बोलो? भगवान है, सृष्टि के कण कण में। तो फिर तो जिसका भी ध्यान आए उसी में भगवान को देखो और सब जगह भगवान को ही बैठा दो, बैठे हुए हैं पहले से ही हो तो उसको अनुभव करना, ये ध्यान। तो ऐसे हम जब ध्यान करते हैं तो फिर हमें सारी सृष्टि भगवान का स्वरूप दिखने लगती है, इतनी दिव्यता दिखने लगती है, इतनी दिव्यता दिखने लगती है। तो फिर हम 24 घंटे ही ध्यान में रहते हैं तो फिर काम कब करेंगे? मैंने कहा ना, भीतर से पूर्ण शांत रहेंगे और बाहर से अपना अपना जो कर्तव्य है निभाएंगे। किसान किसान का कर्तव्य निभा रहा है, जवान जवान का कर्तव्य निभा रहा है, संत संत का कर्तव्य निभा रहा है, सैनिक सैनिक का कर्तव्य निभा रहा है। तो अपना अपना कर्तव्य तो निभाना ही है। मैंने कहा ना, भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। जो हमारा कर्तव्य है उसका तो जीवन पर्यंत कर्तव्य का तो पालन करना ही है, यही तो आपका स्लोगन। खैर, आज का विषय ध्यान का यहाँ पूरा हुआ। अब आज के सत्र को समापन की ओर आगे बढ़ाते हैं और कुछ दिन में किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि कल और अच्छा योग हो आपको, वो भी बताते हैं। सबसे पहले तो मैं BSF के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने इस स्वर्ण जयंती वर्ष पर योग शिविर आयोजित करने का फैसला लिया, एक बार सबकी ओर से BSF के शीर्ष नेतृत्व का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और यहां आदरणीय भाई सुमेर सिंह जी, आदरणीय रिजवी जी, भाई अमित लोढ़ा जी, रमन कुमार श्रीवास्तव जी और तमाम हमारे चौहान साहब सब, और एक एक जवान में बड़ा उत्साह था। मैंने कहा कि करीब 9-10 सालों से मैं BSF के शिविर लेता रहा हूं और मुझे BSF में भर्ती होकर के या सेना में भर्ती होकर के देश का की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिला हो तो कोई बात नहीं, आपकी सेवा करके देश की सेवा का सौभाग्य मिल रहा है, मैं इसको ही अपना परम सौभाग्य मान लिया। तो ये बात बड़ी बात है कि आप देश की सेवा में लगे और आपकी सेवा करने का हमको सौभाग्य मिले तो अच्छी बात है, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। यहाँ ये 3 दिन का शिविर होगा और इन 3 दिनों के शिविरों में जैसे मैंने कहा BSF के ही शीर्ष अधिकारियों की ओर से भी और अपनी ओर से हमने सबको आमंत्रित किया कि हमारे एयरफोर्स और सेना के दूसरे भी जवान यहाँ पर आए, अपने यहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी आने का सौभाग्य आप लोगों ने दिया, उसके लिए धन्यवाद। कल के लिए 2 छोटी-छोटी बातें, एक तो दिन भर खाना हल्का लेना, चबा चबा के खाना खाना, कुछ बातें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई, जो चबा चबा करके खाना खाते हैं, एक ग्रास को कहते ना हमारे मुंह में कितने दांत दिए भगवान ने, दाढ़ दांत कितने दिए हैं, 32 है कि 36 है? 32 है। किसी किसी के 2 फालतू निकल आए तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ 2 फालतू निकल आए तो 36 हो जाएंगे, तो किसी की 32 ही होगा या 36 ही हो, जितने दांत दे रखे कहते हैं उतनी बार किसी चीज को चबा के खाना चाहिए, अर्थात सोलिड को इतना चबाओ कि चबाते चबाते लिक्विड हो जाए, ये खाने का नियम, इतना धीरे धीरे चबाना चाहिए, उससे एक तो ताकत पूरी मिलती है, उसके न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं और वो हमारे शरीर के पोषण में काम आते हैं। तो चबा चबा के खाना खाना और थोड़ा सा कम खाना, माने न ज्यादा न कम, बैलेंस। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, भोजन अंत विषम वाली, हल्का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, प्रसन्न रहना। तो इससे सुबह उठ करके थोड़ा गर्म पानी पीते हैं तो पेट अच्छा साफ हो जाता है। फिर भी किसी को कब्ज आदि होता है तो आंवला एलोवेरा आदि का जूस पी सकता है, वो हम बताते हैं हेल्दी लाइफ के लिए। तो बहुत से और कल स्वास्थ्य के मंत्र आपको बताएंगे पूरी सुबह से शाम तक की हमारी दिनचर्या जीवनचर्या कैसी हो, जिनको अलग अलग कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है उसका समाधान भी बताएंगे और ध्यान आदि और ज्यादा एडवांस भी आपको सिखाएंगे। बस आज अभी 2 आसनों के साथ दिन भर खुश रहेंगे, आज आपको योग करा करके प्रसन्नता पूर्वक भेज रहे हैं तो दिन भर प्रसन्न रहना और अपना अपना कर्तव्य दिन भर पूरा करके रात को आनंद से सोना, कमर सीधी रहनी चाहिए सोते समय भी बैठते समय भी,
और रात को सोते समय या तो सीधे लेट के सोएं सवासन में या साइड में सोते हैं तो भी पैर थोड़े मुड़े हुए तो घुटने पर घुटना और ऐसे सहज होकर के मेरुदंड हमेशा सीधा रहना चाहिए। ये सामान्य नियम है सोने का, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए। आज आपको कहा अब सिंहासन और हास्यासन करते हुए प्रस्थान करेंगे। ऐसे बैठ जाते हैं वज्रासन में, पैर फैला के थोड़ा और जीवा बाहर निकाल के, गले के लिए थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, कफ के लिए। सिंहासन फिर धाड़ो और अब गले को थोड़ा मसाज कर लीजिए और अब हाथों को ऊपर उठा करके झूमते हुए आनंद से हंसना है सबको। हास्यासन हास्य योग खूब जोर से हंसो। आराम से हंसो हंसो, एक मिनट तक हंसते रहो। दिन भर हंसने का मौका मिले या ना मिले, बस सुबह अपना कोटा पूरा कर लिया करो। और एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन, जैसे अभी आप प्रसन्न हैं ऐसे दिन भर आप प्रसन्न रहना और कल सुबह फिर आपसे 4:45 मिलेंगे। दिन में किसी को भी कोई शारीरिक समस्या है, आयुर्वेद का उपचार और उसके लिए वैद्यों की हमने हरिद्वार से वैद्य बुलाए हुए अपने साथ में, तो जिनको किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, अर्थराइटिस, लीवर, किडनी की कोई भी समस्या हो तो अपने हरिद्वार से आए हुए वैद्य जैसे हर शिविर में हमारे साथ रहते, तो यहाँ पर भी वैद्य दाहिनी तरफ यहाँ ये जो पंडाल लगा है यहाँ पर ये वैद्यों की हमारी सेवा रहेगी, उसका आप लाभ लेंगे। हमारे सभी मीडिया के बंधुओं का भी जो यहाँ स्थानीय अखबार और अलग अलग टीवी चैनल्स के मीडिया आए हुए हैं और जो दिल्ली से भी हमारे मीडिया के भाई आए हुए हैं आपके इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की कवरेज के लिए, एक बार उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, सबको बहुत बहुत प्रणाम। बोले भारत माता की।